सो अब हम आगे बढ़े उसके पहले हमें थोड़े बेसिक कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे. सी लाइक लर्निंग ऑडिट इज लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. कैसे अपन हिंदी चालू करते हैं तो भाई उसकी बारह खड़ी आती है, ठीक है, अ आ ई क का की सब कुछ आता है. इंग्लिश आता है तो हम लोग कैसे कहते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, वॉवेल्स पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं. तो वैसे ही ऑडिट एक अपने आप में एक नई लैंग्वेज है, ठीक है. जैसे कि तुमने फाउंडेशन में लॉ एक नया सब्जेक्ट पढ़ा था, वैसे ही इंटर सीए में ऑडिट एक नया सब्जेक्ट है. तो हम सीधा उसके ऊपर टूट पड़े, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अलग से एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा. पर ये चीज ना इतनी बार आती रहेगी ना कि तुम्हें समझना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में टी एच ई एन देन होता है, टी एच ए एन देन होता है. दिस आर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. काफी सारे लोग के बेसिक में इतना लफड़ा होता है ना कि आज तक उसको पता नहीं है टी एच ई एन देन कब यूज करने का, टी एच ए देन यूज करने का. तो मैं तुम्हारा ना पहले बेसिक फाउंडेशन लेकर हूं, उसके बाद जैसे हम ऑडिट पढ़ना चालू करें ना, तुम्हें सब कुछ रद्दी के ऊपर लगे, तुम्हें लॉजिकली मैं आंसर चालू करूं उसके पहले पूछूंगा यू विल टेल मी द नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज एवरीथिंग विल फ्लो वेरी लॉजिकली. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे को एक चैप्टर में काम लगेंगे कि हर एक चैप्टर में काम लगेंगे, हर एक चैप्टर. तो इसको मैं चैप्टर वन में नहीं लिखवाऊंगा, ये तुम लिखोगे एट द एंड ऑफ द बुक. तो फिलहाल कोई भी छापना चालू मत करना, आई विल गिव यू सफिशियंट टाइम टू राइट इट. पर इसको हम लिखेंगे नोटबुक में पीछे के साइड से 10 पेजेस छोड़ के, बिकॉज बार बार जहां पे भी हमें रिफर करना हो सीधा जाके देख सके. तो शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ. पहला वाला बेसिक कंसेप्ट आता है व्हाट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एकदम सिंपल है, ठीक है, तुम रीड करोगे और तुम मेरे को समझाओगे. व्हाट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? इट इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय मैनेजमेंट और दो शर्त विद गवर्नेंस टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट शुड आइदर बी इन द नीड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इज नेसेसिटेटेड बाय द स्टैट्यूट गवर्निंग द रिपोर्टिंग एंटिटी. क्या समझा पब्लिक को ये? ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग डेफिनेशन बहुत सिंपल है. पर आईसीआई को है ना, वो कैसा 3 इडियट्स में मशीन का डेफिनेशन था उनको, सिंपल सा मशीन क्या है, क्या यहाँ पे So, 3 इडियट में कैसा मशीन का सिंपल सा डेफिनेशन रैंचो बता सकता था. पर लेकिन वो लोग को सिंपल सा डेफिनेशन नहीं पसंद, उनको एकदम बुकिश डेफिनेशन पसंद है. तो ये लोग ने अपने को एक बुकिश डेफिनेशन दे दिया. सिंपल तरीके से समझते हैं कि क्या है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ फॉर्मेट. क्या इट इज? नथिंग बट अ फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे कि बचपन में हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाते थे, यहाँ पे लाइबिलिटी हुआ करती थी, यहाँ पे असेट हुआ करता था. बहुत मेहनत से हमारा फाइनल अकाउंट क्या होने लगा? टैली. अब एकदम खुश हो गए, एकदम छाती चौड़ी करके हो गए कि भाई हमारा फाइनल अकाउंट क्या हो रहा है? टैली. फिर आके कोई लाइफ में तुमको बोल के गया कि तेरा लाइफ में पोपट हो चुका है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनते ही नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भाई ऐसे वर्टिकली बनाए जाते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाए जाते नहीं है. ये तुझे कौन बता के गया? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. Schedule 3 is nothing but an example of financial reporting framework. Schedule 3 सिखाता है कि financial statement कैसे बनाने हैं, तेरे financial statement का presentation कैसा होना चाहिए, format क्या होना चाहिए, कौन सी चीज कैसे लिखनी है. इसे हम कहते हैं financial reporting framework. क्या कहते हैं इसे? Financial reporting framework. तो ये एक framework है जो कौन use करता है? Management use करता है, या तो कौन use करता है? Those shared with governance. कौन होता है those shared with governance? Second basic concept में मैं सिखाता हूँ. पर ये एक concept है जो कौन use करता है? Management या तो those shared with governance. क्यों यूज करते हैं? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है. उसी तो पता चलेगा ना कि मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने कैसे है. वापस एक बार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क यूज बाय मैनेजमेंट या तो विद गवर्नेंस. किसके लिए? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कैसा होना चाहिए? इट शुड आइदर बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड ऑब्जेक्टिव और द स्टैट्यूट गवर्निंग द रिपोर्टिंग एंटिटी. नीचे वाला पार्ट पहले पढ़ते हैं. कोई बता सकता है चैटबॉक्स के ऊपर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूट? What do you mean by a statute? Statute मतलब law. तो necessitated by a statute मतलब तेरे ऊपर कोई law है तो law के हिसाब से करना पड़ेगा. For example, if you are a company, तो तेरे को क्या applicable हो जाएगा? Companies Act. तेरे को और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, Companies Act में जो लिखा है वो करो. If you are a banking company, तो तेरे को क्या एप्लीकेबल होगा पता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तेरे को कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसके अंदर जो फॉर्मेट दिया है वही फॉलो करना है. इफ यू आर इंश्योरेंस कंपनी, तो तेरे को इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट लगेगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है वही फॉलो करो. इफ यू आर इलेक्ट्रिसिटी सब कंपनी, तो तेरे को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. इफ यू आर अ कोऑपरेटिव, तो तेरे को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एप्लीकेबल हो जाएगा. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर तेरे ऊपर कोई एक्ट है, तेरे ऊपर कोई स्टैट्यूट है, तो वो स्टैट्यूट के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं. यू वुड मेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दैट. वही हो गया तेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जैसे हम अगर हमारी कंपनी है तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 हो गया हमारे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. बट लेट अस से यू आर अ सोल प्रोप्राइटर. क्या? यू आर अ सोल प्रोप्राइटर. याद करो स्टार्टिंग में मनन की अपन ने कंपनी चालू की थी, क्या कंपनी का क्या नाम रखा था अपन ने? पढ़ाकू लिमिटेड. अब मेरे को बताओ पढ़ाकू लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड या मतलब समझो इट इज नॉट अ कंपनी, सोल प्रोप्राइटर है पढ़ाकू कंपनी करके. अब सोल प्रोप्राइटर है, क्या उसको कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा?
नहीं, क्या उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा? क्या उसको IRDA एप्लीकेबल होगा? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट एप्लीकेबल होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं। तो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो तू क्या करेगा? एटलीस्ट इस तरीके से कर कि तेरा नीड एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। क्या फुलफिल हो जाए? नीड एंड ऑब्जेक्टिव। मेरे को बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम सामने वाले को देते क्यों है? डालो चैट बॉक्स के ऊपर, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के क्यों सामने वाले को देते हैं? सामने वाला उसके ऊपर एनालिसिस कर सके, ओके। हम उसको इसलिए देते हैं कि वो उसके ऊपर वेरी गुड डिसीजन ले सके। क्या ले सके उसके ऊपर डिसीजन? डिसीजन मतलब मेरे को तेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, शेयर्स खरीदू नहीं खरीदू, तो उसके लिए हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनन ने अपनी पढ़ाकू कंपनी जो थी उसमें अपने को सिर्फ क्या लिख के दे दिया? उसके टोटल असेट कितने हैं? उसने लिख के दे दिया उसकी टोटल लाइबिलिटी कितनी है, उसने लिख के दे दिया टोटल इनकम कितना है, उसने लिख के दे दिया टोटल एक्सपेंस कितना है। मेरे को बताओ क्या इससे हम कोई डिसीजन ले पाएंगे? क्या हमें बताया कि उसके असेट कहां कहां पे पड़े हैं? क्या हमें बताया उसकी लाइबिलिटी कौन सी कौन सी है? क्या हमें बताया कि उसकी इनकम कहां कहां से आ रही है? क्या हमें बताया उनके खर्चे कहां कहां पे हो रहे हैं? नहीं। तो क्या मैं इसके ऊपर कोई भी डिसीजन ले पाऊंगा? नहीं। तो इट इज नॉट मीटिंग द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैं उसको बोलूंगा भाई ज्यादा डिटेल में नहीं, पर पुराने जमानों की तरह ऐसा जो टी फॉर्मेट में होता था लाइबिलिटी और असेट, ऐसा भी तू बना के देगा तो भी हम इसके ऊपर कोई डिसीजन ले पाएंगे? उतना भी दे दिया तो चलेगा? तो अगर तेरे ऊपर कोई लॉ है तो आंख बंद करके जो लॉ में लिखा है वो फॉलो कर, पर अगर तेरे ऊपर कोई लॉ नहीं है तो एटलीस्ट इतना कर के यूजर उसके ऊपर क्या ले सके? डिसीजन। अब पूरा डेफिनेशन एक साथ पढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय मैनेजमेंट और दोषचार विद गवर्नेंस। कौन होता है दोषचार विद गवर्नेंस? सेकंड कांसेप्ट में देखेंगे। क्यू टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड आइदर बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और नेसेसिएटेड बाय द स्टैट्यूट गवर्निंग द रिपोर्टिंग एंटिटी। Has everyone understood this? तो अगर तेरे ऊपर कोई लॉ है तो उसके हिसाब से कर, लॉ नहीं है तो एटलीस्ट ऐसे कर कि भाई यूजर एटलीस्ट उसके ऊपर क्या ले सके? डिसीजन। Has everyone understood? पक्का क्लैरिटी है सबको? ये इसके ऊपर कोई अलग से सवाल पूछेगा क्या? नहीं। इसलिए तुम देखोगे मैंने वहां पे क्या लिख के रखा है, बेसिक कंसेप्ट ब्रैकेट में क्या है, ओफू। ओफू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो वर्ड है ना हमारे 11 चैप्टर में, हर चैप्टर में कम से कम 10-10 बार आएगा, मतलब पूरे 11 चैप्टर में ये वर्ड तुम 100 बार देखोगे, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ICAI इसको अलग से कहीं पे डिफाइन किया हुआ नहीं है। Has everyone understood this? तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं जिससे तुम्हें आगे की चीजें कंफर्टेबल लगे। तो तुम क्या करोगे, नोटबुक में पीछे जाओगे, 10 भी नहीं सेफ्टी के लिए एक बार 12 साइड छोड़ दो। पीछे से कितनी साइड छोड़ोगे? 12। वहां पे हेडर दो बेसिक कॉन्सेप्ट और वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट पहला वाला लिखना चालू करो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नाउ एवरीथिंग दैट आई राइट ऑन द स्क्रीन You will also write with pencil. के आगे जाके जब हम रिविजन करें मैं सेम एग्जाम्पल दूंगा कि तुम अच्छी तरह से इसको कोरिलेट कर पाओ। एग्जाम तुम्हारा आज नहीं है, एग्जाम होने वाला है इन नवंबर। कोई बोल रहा है 12 लाइंस, लाइंस नहीं रे 12 पेजेस। पीछे से 12 पेजेस छोड़ो, 200 पेजेस बुक सफिशियंट? यस इट विल बी सफिशियंट, बस हम सिर्फ समरी बनाने वाले हैं, बाकी सब चीज तुम्हें ऐसे ही प्रिंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बार पीछे से 12 साइड छोड़ के लिखो बेसिक कंसेप्ट हेडर और उसके अंदर पहले लिखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? एक फ्रेमवर्क जो कौन यूज करता है, मैनेजमेंट या तो दोषचार विद गवर्नेंस। किसके लिए? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसा होना चाहिए? अगर उसके ऊपर कोई स्टैट्यूट है, लॉ है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई स्टैट्यूट या लॉ नहीं है तो इट शुड एटलीस्ट मीट द नीड एंड ऑब्जेक्टिव। हैज एवरीवन अंडरस्टूड थिंग्स सो फार? ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट आता है हु आर दोषचार विद गवर्नेंस। तो एकदम सिंपल है, वापस तुम इजीली पढ़ के मेरे को समझा पाओगे। दोषचार विद गवर्नेंस रिफर्स टू पर्सन और पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। क्या समझा पब्लिक को ये? तो वापस एक बार ऑनेस्टली अगेन अ वेरी सिंपल एग्जाम डेफिनेशन, बट ICAI को वापस सीधी सीधी तरह से बताना जमता नहीं है। तो हु आर दोषचार विद गवर्नेंस? जो भी मैनेजमेंट के ऊपर वाले लोग होते हैं। किसके ऊपर वाले लोग होते हैं? मैनेजमेंट के ऊपर वाले, उन्हें हम कहते हैं दोषचार विद गवर्नेंस। मतलब हम बोलते हैं कि भाई देखो अगर मैनेजमेंट हमारी नहीं सुनता या अगर मैनेजमेंट ही गलत कर रहा है तो हम किसके पास जाएं? तो हम किसके पास जाएंगे? दोषचार विद गवर्नेंस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तुमको स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो तुम किसके पास जाते हो? टीचर के पास। बट अगर समझो तुम्हें टीचर से ही प्रॉब्लम है तो तुम किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल तुम्हारे लिए क्या हो गया? दोषचार्ज विद गवर्नेंस। तुम्हारे अगर घर पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम पहले किसके पास जाते हो? मम्मी के पास। पर अगर मम्मी से ही प्रॉब्लम है तो किसके पास जाते हो भाई? अपने पापा के पास। तो अपने पापा क्या हो गए भाई? दोषचार्ज विद गवर्नेंस। तो जो मैनेजमेंट के ऊपर वाले लोग हैं उसे हम कहते हैं दोषचार्ज विद गवर्नेंस। तो कोई बोलेगा ये तो समझा, पर डेफिनेशन क्या पका रहा है?
डेफिनेशन बोल रहा है दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस रिफर्स टू पर्सन और पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. रतन टाटा जी है, रतन टाटा जी के पास एक कंपनी है क्या मल्टीपल कंपनीज है? तो उन्होंने अपने नीचे एक कमेटी बना के रखी है. समझो मल्टीपल कंपनीज है, लेट अस से टाटा मोटर, स्टारबक्स, क्रोमा. समझो ये हर एक कंपनी के खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है. क्रोमा का खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्टारबक का खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टाटा मोटर्स का खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लेट अस से हम क्रोमा को ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है. हम एज एन ऑडिटर किसका ऑडिट कर रहे हैं? क्रोमा. हम रतन टाटा जी को पूछ रहे हैं कि देखो रतन टाटा जी, अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम जाके किसको बताएं? अगर हमें लग रहा है कि क्रोमा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी नहीं सुन रहा या क्रोमा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कुछ गलत कर रहा है तो हम जाके किसको बताएं? रतन टाटा जी बोलते हैं भाई टेंशन नॉट, कुछ भी हो सीधा आके मेरे को बताने का, मतलब रतन टाटा जी को बताने का. तो इन दिस एग्जाम्पल रतन टाटा जी क्या हो गए? दुष्चार्ज विद गवर्नेंस. पर लेकिन रतन टाटा जी खुद तो क्या है? एक पर्सन. तो क्या एक पर्सन दोषचार्ज विद गवर्नेंस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? दोषचार्ज विद गवर्नेंस रिफर्स टू व्हाट? पर्सन. सेकंड एग्जाम्पल, रतन टाटा जी बोलते हैं भाई देख मेरी एक कंपनी नहीं है 180 कंपनीज हैं. अब हर एक 180 कंपनी का देखरेख मैं रख सकता नहीं हूं. तो वो बोल रहे हैं भाई मैंने मेरे नीचे क्या कर दिया है, एक कमेटी बना ली है, ठीक है. अब यहाँ पे चार लोगों की कमेटी है, ये चार लोग को है ना सब पूरा स्टीयरिंग व्हील दे दिया है, तुम देखो नीचे की कंपनी कैसे चल रही है, ठीक है. तो वो लोग को एक ऐसा लाइसेंस दे दिया है कि तुम्हें बाकी की सारी कंपनी का देखरेख रखने का. रतन टाटा जी बोलते हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो ना तो ये चार लोग को जाके बताओ, बिकॉज वो लोग ही बाकी की सारी कंपनी चला रहे. तो इन दिस केस ये लोग क्या हो गए? दोषचार्ज विद गवर्नेंस. पर इस बार एक इंसान है कि मल्टीपल लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ये लोग क्या हो गए? पर्संस. समझ रहे हो? तो सेकंड एग्जांपल में रतन टाटा जी क्या बोले कि भाई यहां पे तुम सीधा जाके इनको बताओ. तो यहां पे इन दिस केस क्या हो सकते हैं? दोषचार्ज विद गवर्नेंस. यस. क्या समझ रहे हैं सबको? अपन एक एक वर्ड का लॉजिक समझ रहे हैं जस्ट सो दैट तुम्हें अच्छी तरह से समझे. याद करो मैंने आज ही लेक्चर के स्टार्ट में बोला था हम रिव्यू करेंगे एंड रिसाइड करेंगे. आज मैं तुमसे चीजें रिव्यू करवा रहा हूं, लॉजिक समझा रहा हूं, एक एक वर्ड क्यों डाला गया. तीसरा, रतन टाटा जी कहते हैं कि भाई देखो कुछ अगर प्रॉब्लम होना तो तुम जाके सीधा टाटा मोटर्स को बताओ, बिकॉज टाटा मोटर्स ये सारी कंपनी के ऊपर देखरेख रखती है. तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू मस्ट गो एंड इन्फॉर्म टाटा मोटर्स. तो टाटा मोटर्स बाकी सारी कंपनी का देखरेख रखती है. क्या पब्लिक को याद है बीच में एक आईपीओ आया था टाटा टेक्नोलॉजीज करके? अगर टाइम मिले ना टाटा टेक्नोलॉजीज का जाके आईपीओ का जो आया था उसे पढ़ना. उसमें उनकी पेरेंट कंपनी उसका देखरेख कौन रख रही थी बताए? टाटा मोटर्स. तो इट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल वेयर टाटा टेक्नोलॉजीज का दोषचार्ज विद गवर्नेंस इज टाटा मोटर्स. तो रतन टाटा जी कहते हैं कि तुम टाटा मोटर्स को जाके बताओ, अगर क्रोमा में कुछ भी गड़बड़ है तो वो ध्यान रखेंगे. तो इन दिस केस दोषचार्ज विद गवर्नेंस कौन हो गया? टाटा मोटर. पर टाटा मोटर खुद तो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन. तो तीसरे एग्जाम्पल में वो लोग कह रहे हैं कि भाई देखो एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो सकती है? दोषचार्ज विद गवर्नेंस. आखिरी एग्जाम्पल, रतन टाटा जी कहते हैं कि भाई देखो कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम टाटा मोटर्स और स्टारबक्स को दोनों को जाके बताओ. तो ये दोनों कंपनी क्या कर रही है? बाकी सारी कंपनी का ध्यान रख रही है. तो यहाँ पे ये लोग क्या हो गए? ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या दोषचार्ज विद गवर्नेंस कैन बी ऑर्गेनाइजेशन? यस. तो दोषचार्ज विद गवर्नेंस कैन बी अ पर्सन, दे कैन बी पर्सन, दे कैन बी ऑर्गेनाइजेशन और दे कैन बी ऑर्गेनाइजेशन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनी किस दिशा में जा रही है, वो लोग की स्ट्रेटेजी क्या है, ये देखने का काम किसका होगा? दोषचार्ज विद गवर्नेंस का. एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब कल जाके उनकी क्या जाएगी जिम्मेदारी. अगर समझो पहले वाले एग्जाम्पल में कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम एट द एंड जाके गला किसका पकड़ेंगे? रतन टाटा जी का. सेकंड एग्जाम्पल में हम जाके किसका गला पकड़ेंगे? स्टीयरिंग कमेटी का. तीसरे एग्जाम्पल में हम जाके किसका गला पकड़ेंगे? टाटा मोटर्स. चौथे एग्जाम्पल हम जाके किसका गला पकड़ेंगे? टाटा मोटर्स और स्टारबक्स. तो एट द एंड ये लोग के पास अकाउंटेबिलिटी भी है, मतलब ये लोग के ऊपर जिम्मेदारी भी है कि कल जाके कुछ गड़बड़ हुई तो हम जाके इनको पकड़ेंगे. इसे हम कहते हैं दोषचार्ज विद गवर्नेंस. मतलब मैनेजमेंट के ऊपर वाले जो मेन लोग है वो एट द एंड इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. इसे हम कह देंगे दोषचार्ज विद गवर्नेंस. हैज एवरीवन अंडरस्टूड? अब पूरा डेफिनेशन स्टार्ट पॉइंट पढ़ो. दोषचार्ज विद गवर्नेंस रिफर्स टू पर्सन और पर्संस, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी. क्या समझा पब्लिक को ये? पक्का? इन्हें हम क्या कहते हैं? दोषचार्ज विद गवर्नेंस. क्या कहते हैं हम इसे? समझाइए. तो अपन ने अब तक दो कंसेप्ट पढ़े. पहला वाला कंसेप्ट मैंने क्या समझाया तुम्हें? What is a financial reporting framework? तो ये एक framework है जो कौन use करता है? Management या तो दोषचार्ज विद गवर्नेंस. क्यों? To prepare and present financial statement. उनके ऊपर कोई statute मतलब law है तो उसके हिसाब से करेगा, नहीं है तो at least ऐसे करो that meets the need and objective. दोषचार्ज विद गवर्नेंस मतलब जो management के ऊपर वाले लोग होते हैं उसे हम कहते हैं दोषचार्ज विद गवर्नेंस. क्या ये समझ गया पब्लिक को? पक्का? अब ये जब लिखोगे, अब ऑब्वियसली रतन टाटा जी ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो तुम यहाँ पे लिखोगे क्या? रतन टाटा.
ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्टीयरिंग कमिटी, यहाँ पे कंपनीज के सिर्फ क्या लिख दोगे, नाम, पर लेकिन ये चार्ट जरूर बनाना, तब जाके आगे जाके रिवाइज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो हम जो भी चीज मैं कर रहा हूँ सारी की सारी चीजें तुम क्या करोगे यहाँ पे ढंग से लिखोगे, ठीक है, बिकॉज हमारी एग्जाम अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इज इन नवंबर 24, देयर इज हाई चांस तुम भूल जाओ। ठीक है, जो अर्ली बर्ड का पहला लेक्चर था शायद तुम वो भूल गए रहोगे, तो नवंबर 24 तक याद रहेगा, हम ऐसी आशा कर सकते नहीं है। राइट एवरीथिंग दैट आई राइट इन ऑन द स्क्रीन, जाओ जल्दी से। So someone is asking, can you please explain this diagram once? देखो रतन टाटा जी अगर दोष चार्वित गवर्नेंस है तो वो क्या हो गए, पर्सन। वो बोलते नहीं कुछ भी हो मेरे को आके मत बोलो, मैंने नीचे एक कमेटी बनाई है, वो सारे दोष चार्वित गवर्नेंस है, तो वो लोग क्या हो गए, पर्सन। तीसरा वो लोग बोल रहे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टाटा मोटर्स को जाके बताओ, तो वो हो गए दोष चार्वित गवर्नेंस, मतलब क्या हो गए, पर्सन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट एग्जाम्पल वो बोल रहे भाई टाटा मोटर्स और स्टारबक्स को बताओ, तो ये क्या हो गए, ऑर्गेनाइजेशन। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? तो दो कंसेप्ट पढ़े अपने, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड दोष चार्वित गवर्नेंस। क्या यहाँ तक सबको समझा है? तो सो फार व्हाट हैव यू अंडरस्टूड इन ऑडिट, कि आईसीआई है ना सिर्फ लैंग्वेज के साथ खेलता है, कंसेप्ट अगर सही से समझा तो रद्दी गोबर है। अगर दो मिनट पहले जो मैंने ये रीड किया था तो सारी चीजें सिर के ऊपर से गई थी, दोष चार्वित गवर्नेंस भी जो मैंने रीड किया था सारी चीजें सिर के ऊपर से गई थी, बट कैन आई से विद कॉन्फिडेंस कि तुमने अगर ये समझा है, अगर तुम्हें कोई ऐसा फ्रेंड मिलता है जो आज लेक्चर नहीं बैठा है, तुम इसे एग्जाम्पल के साथ ढंग से समझा क्या होगे कि कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। सो इन ऑडिट वी हैव टू स्टडी इन टू अप्रोचेस, कंसेप्ट क्लैरिटी, मतलब इतना ढंग से तेरे को आना चाहिए कि तेरे को किसी और को जाके पढ़ाना हो, इवन एनी पर्सन हु इज नॉट डूइंग सीए उसको भी जाके तू पढ़ा के आ सके कि ये कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, उतना क्लैरिटी के ऊपर फोकस करो, नहीं आया उतनी बार मेरे को पूछते रहो। वंस यू डू दैट, सेकंड थिंग विल बी मेमोराइजिंग। तो मेमोराइजिंग का चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें अलग अलग टेक्निक्स देके मेमोराइज करवाएगा। ये चीज मैं क्यों मेमोराइज नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज ये ओएफयू है, ओएफयू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो ये एग्जाम में लिखना नहीं है, तो मैं इसके ऊपर रटने के ऊपर कष्ट करवा रहा नहीं हूं। तीसरा, व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, मिसस्टेट मतलब क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। सब करो ना कैमरा के ऊपर, क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। वापस एक बार, क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो। अपने फर्स्ट लाइन में लास्ट में कौन बैठा हुआ है, वो ब्लू शर्ट टी शर्ट में, कैदी नंबर 136709, नाम तो रख, क्या कैदी नंबर रख के बैठे तू, K136709 करना आलस आ रहा है तेरे को, कैलोरी वेस्ट हो रहा है, ऐसा मेरे साथ करो, क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितने लोग यहाँ पे से गुजराती है, कितने लोग गुजराती है, एक तो ये लोग का कैमरा, जिनका कैमरा बंद है निकाल देना, सबको निकाल दे और अभी परमानेंटली रिमूव कर दे। चलो कौन है यहाँ पे, आई कैन सी रवीना पंड्या, रवीना मेरे को बता, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अपना मनन है ना नवरात्रि खेलने आया, नवरात्रि खेलते वक्त उसने नीचे है ना फॉर एग्जाम्पल धोती पहना, ऊपर क्या पहनना चाहिए था, केडियो पहनना चाहिए था, कुर्ता पहनना चाहिए था, पर लेकिन वो क्या करके आया, नीचे धोती पहना और ऊपर है ना फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट पहन के आया, क्या चलेगा क्या, नहीं। तो भाई रवीना क्या बोलेगी, मनन तेरे फैशन में मिसस्टेटमेंट है क्या, भाई तेरे फैशन में क्या है, मिसस्टेटमेंट। तो हमने सोचा था कि भाई मनन तो क्या करेगा, एकदम क्यूट सा लड़का बन के आएगा, नीचे धोती पहनेगा ऊपर केडियो पहनेगा, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ पहन के आएगा, पर अपना मनन उधर क्या पहन के आया, धोती और उसके ऊपर टी शर्ट, तो क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। तो पब्लिक बोलेगा भाई मनन तेरे फैशन में क्या है, भाई मिसस्टेटमेंट है। वापिस एक बार, क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। तो आईसीआई तुमसे क्या आंसर एक्सपेक्ट करता है और तुम वहां पे क्या लिख के आते हो, तो क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। ऑडिट में भी कुछ ऐसा ही है कि क्या होना चाहिए एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और एंटिटी ने क्या किया है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। अरे भाई यही तो ढूंढने की बात है ना, हमारा एज एन ऑडिटर पूरे ऑडिट में पहले चैप्टर से 11 चैप्टर तक काम ही है मिसस्टेटमेंट ढूंढना। तो मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है, एंटिटी ने क्या किया है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, मैं ऑलरेडी तुम्हें सिखा चुका हूं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट, डिफरेंस इन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड विच इज एक्चुअली रिपोर्टेड बाय द एंटिटी। तो एफआरएफ क्या कहता है, एंटिटी ने क्या किया है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। क्या ये समझा, पक्का? अब डिफरेंस किस में हो सकता है, अमाउंट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से समझो यहाँ पे कौन बैठा है, फर्स्ट एरो के ऊपर रखना, तो मेरे को इनका नाम दिखे यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अपना प्रसन्न मिश्रा, मिश्रा जी, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अपने मिश्रा जी ऑडिट करने गए, और जब ऑडिट करने
तो वहां पे उसको है ना कंपनीज एक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करने का था, तो उसे डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए था, ठीक है, एज पर व्हाट कंपनीज एक्ट। पर लेकिन उसे डेप्रिसिएशन का रेट नहीं आता था, उसने क्या कर लिया, अपने फेवरेट बेस्ट फ्रेंड को पूछ लिया, कौन उसका बेस्ट फ्रेंड, गूगल, उसने गूगल पे डाला व्हाट इज द रेट ऑफ दिस प्लांट मशीनरी। अब गूगल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आया वो डेप्रिसिएशन आया, पर वो कंपनीज एक्ट का नहीं आया, वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट आया, और दोनों में डेप्रिसिएशन के परसेंटेज अलग है। प्लांट डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%, पर उसने इनकम टैक्स में कितना था 50%, तो डेप्रिसिएशन आना चाहिए था 1 करोड़, पर उसने भूल से बुक्स में कितना डाल दिया 1.5 करोड़। ये गलती किसमें है, अमाउंट में, क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। होना क्या चाहिए था, 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन, और इसने डाल कितने की दिया 1.5 करोड़ का, तो दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। पर लोगों को मैं जो वो लगती है मिसस्टेटमेंट सिर्फ अमाउंट में हो सकती है, नहीं, मिसस्टेटमेंट कैन बी इन क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन एज वेल। चलो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, सब यहाँ से फाउंडेशन करके आए ना, कोई यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री वाला है क्या, इज देयर एनीवन फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री? अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 300 एंड अबव इन दिस बैच? एनीवन सिटिंग हियर, सिर्फ चैट बॉक्स पे डाल दो ना। अच्छा, हाउ मेनी फ्रॉम 275 एंड अबव? ओके, 250 एंड अबव। अच्छा, कितने लोग मेरे जैसे डॉट 200 से ज्यादा आया था मेरे को, बट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब व्हाई आई एम आस्किंग इज आई डोंट सी पीपल यू नो इंटरैक्टिंग सो मच। अब मेरे को यहाँ पे आंसर दो, ठीक है, प्रूव करो इतना आगे पीछे से छाप के नहीं आया है। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, समझो 10 करोड़ का लोन है, ये 10 करोड़ का जो लोन है ये रिपे करना है इन 10 ईयर्स, इसको तुम कैसे क्लासिफाई करोगे, एज करंट लाइबिलिटी और एज नॉन करंट लाइबिलिटी? As everyone understood my question, 10 करोड़ का लोन है, repayable in 10 years, इसको कैसे classify करोगे, current liability या non current liability? Chat box के ऊपर कृपया answer दिया जाए। अरुणा जानवा, अरुणा जानवा प्लीज रेज योर हैंड here. अरुणा प्लीज रेज योर हैंड योर, नहीं जूम पे रेज करो ना सो आई कैन सी यू, आर यू देयर ऑन जूम? रीति जैन प्लीज रेज योर हैंड ऑन जूम, रीति आई कैन सी यू, अरुणा आई कैन नॉट सी यू, रेज योर हैंड ऑन जूम। अच्छा, व्हेन आई से रेज योर हैंड, नो ऐसा उधर ऐसा साहिब जी सलाम नहीं खेलने का, उसमें जूम में ऑप्शन आता है रेज द हैंड, ठीक है, वो करने का, ठीक है, चलो, बट नाउ आई हैव सीन बोथ ऑफ यू, ठीक है, चलो, आई एम ग्लैड, एंड नाउ आई गेस इशिता कोठारी आल्सो हैज गिवन द करेक्ट आंसर, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, सबने आंसर लिखा नॉन करंट नॉन करंट नॉन करंट, इसमें से 1 करोड़ विल बी करंट लायबिलिटी, 9 करोड़ विल बी नॉन करंट। याद करो तुम्हारे स्केड्यूल 3 में दिखाया गया था, व्हाटएवर इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स इज टू बी ट्रीटेड एज करंट, व्हाटएवर इज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन करंट। पर पब्लिक फाउंडेशन के लेक्चर में बैठे बैठे सो रहा था, उसने दूर दूर तक ध्यान दिया हुआ नहीं है। याद है ऐसा कुछ पढ़ाया गया था तुम्हें कि जो भी चीज 1 साल के अंदर पे करनी हो क्या हो जाएगी, करंट? तो 10 करोड़ पे करना है, पर उसमें से 1 करोड़ तुम्हें 1 साल के अंदर पे करेगा, तो 1 करोड़ इज करंट, 9 करोड़ इज व्हाट? नॉन करंट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या है, दोनों में डिफरेंस है तो मिसस्टेटमेंट है। 1 करोड़ होना चाहिए था इन व्हाट? करंट। 9 करोड़ इन नॉन करंट, पर लेकिन एंटिटी ने पूरा का पूरा 10 करोड़ किधर डाला? नॉन करंट। ये भी एक मिसस्टेटमेंट है। देखो, जो मिसस्टेटमेंट है ना, मिसस्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस, ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू एरर ऑल्सो और इट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड ऑल्सो। एरर मतलब गलती हो गई, ठीक है, तुम जैसा था अकाउंटेंट फाउंडेशन के लेक्चर में बैठे बैठे सो रहा था, गलती हो गई, बट काफी बार फ्रॉड भी हो सकता है। मेरे को बताओ, एफएम में रेशियो एनालिसिस हुआ क्या? नहीं हुआ। करंट रेशियो जैसा कुछ आता है पब्लिक को? देखो, करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। हमेशा है ना, तुम्हारा करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी का रेशियो होना चाहिए 2:1, मतलब योर करंट असेट शुड बी ट्वाइस एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल, हमारी करंट लायबिलिटी ज्यादा थी, बैंकर्स बोल रहे थे हम देखो लोन कैसे दे देते, तेरी करंट लायबिलिटी ज्यादा है। वहां पे मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, वो लोग ने यहाँ पे इसको 0 कर दिया और नॉन करंट को क्या कर दिया, 10 करोड़। इस बार वो लोग ने झोल अमाउंट में नहीं किया, हम लोन अभी भी टोटल कितना दिख रहा है, 10 करोड़, पर लेकिन फ्रॉड किसके अंदर कर दिया, क्लासिफिकेशन के अंदर, जस्ट सो दैट वो बैंकर्स को बता सके कि देखो नहीं नहीं मेरी करंट लायबिलिटी तो कम है। तो काफी बार यहाँ पे फ्रॉड भी किया जा सकता है। यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बेटर व्हेन यू आर डन विद, आई मीन, रेशियो एनालिसिस इन एफएम।
जिसको समझा वेरी गुड, जिसको ऐसा सिर के ऊपर से गया इग्नोर करे। सो कमिंग बैक टू दिस, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो मिसस्टेटमेंट किसमें हो सकती है, अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में। अच्छा मैं बताऊं क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू हुआ पब्लिक का, H1 क्यों हुआ H1। अच्छा आज काफी सारे लोग का तो पहला लेक्चर है ना रेगुलर का, सीधा शुरुआत ही ऑडिट के साथ कर दी तुमने, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्क्लोजर की बात करूं, लेट अस टेक वेरी बेसिक कंसेप्ट FIDC का, तीन फंडामेंटल असम्पशन है। डालो कौन से तीन फंडामेंटल असम्पशन है अपने, ऑफिसर और पब्लिक को तो अलग लेवल का कष्ट होता है, कोई उधर बैठ के क्या कोक पी रहा है, थम्सअप पी रहा है, क्या पिया जा रहा है, पानी। ऐसा हम भी ऐसा इधर से करें, चीयर्स। और ये तेरी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी चैट कर रहा है, गोइंग कंसर्न लिख रहा है एंटर, कंसिस्टेंसी लिख रहा है एंटर, तीनों एक साथ लिख वरना वो खो जाता है चैट बॉक्स के अंदर। हाँ वेरी गुड, तो इट इज व्हाट गोइंग कंसर्न, अक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी। आई एम वेरी ग्लैड, ठीक है, मोर ऑर लेस एवरीवन गिव द करेक्ट आंसर। थोड़े लोग अभी भी वो प्रूडेंस XYZ बोल रहे हैं, नहीं गोइंग अक्रूवल कंसिस्टेंसी। S1 क्या कहता है, अगर हम तीन फंडामेंटल असम्पशन के साथ कंप्लाई कर रहे हैं तो वेरी गुड, अगर एक के साथ भी कंप्लाई नहीं कर रहे ना तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ऐसा सबको याद। तो अगर इफ वी आर कंप्लाइंग विद दिस ओके, बट अगर गोइंग कंसर्न अगर समझो हम कंप्लाइंग नहीं कर रहे हैं तो मुझको नीचे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कंपनी ने वहां पे अमाउंट में कोई फ्रॉड नहीं किया, क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन में भी नहीं किया, बट लेकिन कंपनी बंद होने वाली इसका डिस्क्लोजर ही नहीं दिया। अरे भाई ये तो मिसलीडिंग होएगा ना, यूजर का डिसीजन अफेक्ट होगा, कंपनी बंद होने वाली है फिर भी वो पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक क्या है मिसस्टेटमेंट, बिकॉज क्या होना चाहिए था, क्या है होना चाहिए था वहां पर डिस्क्लोजर, कंपनी ने नहीं दिया हुआ है, इसे हम क्या क्या देंगे मिसस्टेटमेंट। तो यहाँ पे गलती किसमें हो सकती है, अमाउंट में भी, क्लासिफिकेशन में भी, प्रेजेंटेशन में भी और डिस्क्लोजर में भी। As everyone understood, now what is a misstatement? Finally, वापस एक बार पढ़ो। Misstatement मतलब difference in amount, classification, presentation, disclosure, which is required by the financial reporting framework and which is actually reported by the NTT. As everyone understood so far? अच्छा, थोड़ा accounts को test करूँ क्या? देखो, नहीं आता है ना तो ignore करना। मैं क्यों कर रहा हूँ बताएँ? See, audit is examination of accounts. I can give you examples based on how strong are you in accounts. ठीक है, सो आई विल बी टेस्टिंग फॉर द कपल ऑफ लेक्चर योर अकाउंट, सो आई गिव माय एग्जांपल इन सच अ वे, पता चला मैं अकाउंट्स के एग्जांपल दिए जा रहा हूँ, इसको ऐसे ऑडिट करने का, ऐसे ऑडिट करने का, पब्लिक को अकाउंट्स ही नहीं आता है। तो पहले बेसिक चीज आई कीप ऑन आस्किंग, सो आई कैन जज एंड अकॉर्डिंगली आई कैन गिव एग्जांपल्स। मेरे को बताओ अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो मेरे अकाउंटिंग के ऊपर इंपैक्ट क्या आता है, व्हाई इज दिस अ फंडामेंटल असम्पशन? अगर गोइंग कंसर्न सही नहीं है तो मेरे अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट आएगा? मेरा गोइंग कंसर्न अगर सही नहीं है, कंपनी बंद होने वाली है अगले साल, मेरे अकाउंटिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? श्रुति वेरी गुड एक्सेलेंट। लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे इज अ डिफरेंट थिंग यार, अकाउंटिंग में बोल रहा हूं। कोई आंसर लिखो, पब्लिक को आंसर लिखने बोला, पब्लिक ऐसा घुमा रहा है, ये तेरा टिंडर नहीं है कि राइट स्वाइप कर रहा है, जूम पे बैठा है तू आदत से मजबूर। चलो लिक्विडेशन पे होंगे, वेरी गुड, नॉन करंट सब कुछ करंट हो जाएगा, एक्सेलेंट। अब बोल रही है ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी बोल रही है मार्केट, वेरी गुड एक्सेलेंट। स्टेबिलिटी नहीं होगा, सी मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, कैपिटल रेज नहीं कर पाएंगे, अगेन दैट इज नॉट रेलेवेंट टू अकाउंटिंग, ऑल असेट्स वुड बी सोल्ड। ठीक है चलो, बट आई गेस मोर ऑर लेस आई हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम यू, आई एम वेरी ग्लैड। पब्लिक का दिमाग चल रहा है, अकाउंटिंग है ना सब कुछ बुक वैल्यू से है ना रियलाइजेबल वैल्यू पे आ जाएगा। See, what do you mean by book value? समझो फॉर एग्जाम्पल ये फोन खरीदा था, समझो फोन का फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 1 lakh रुपीज इज द परचेज कॉस्ट, माइनस समझो हर साल 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो एक साल के बाद इसका वैल्यू कितना आ गया 90, दिस इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू। पर मैं एक साल के बाद ये फोन को बेचने जाऊंगा, क्या कोई 90,000 रुपया देगा क्या मेरे को? नहीं, शायद इसको बेच के मेरे को आएगा फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यहाँ पे 40,000 इज कॉल्ड एज रियलाइजेबल वैल्यू। जो भी स्टूडेंट मार्केट वैल्यू बोलते थे ना, मार्केट वैल्यू इज द रॉन्ग वर्ड, बिकॉज अगर ये फोन नया में खरीदने जाओ तो कितने का आएगा, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू। तो अब जब गोइंग कंसर्न सही नहीं है, मैं उसको कौन से वैल्यू पे लाऊंगा, रियलाइजेबल वैल्यू, करेक्ट, जो तुम बोलते हो NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, करेक्ट। तो पहला इफेक्ट, सेकेंड सब कुछ करंट, क्या सब कुछ नॉन करंट से क्या हो जाएगा करंट, बिकॉज अभी कंपनी रहने ही नहीं वाली ना, करंट नॉन करंट बता के क्या फायदा। और आखिर में क्या आ जाना चाहिए, डिस्क्लोजर, वहां पे नीचे लिखना चाहिए कंपनी चल नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ I just wanted to test your accounts का knowledge, not related to misstatement. So what is a misstatement? Difference in amount, classification, presentation and disclosure. As everyone understood so far, तीन basic concept पकाया तुमको। पहला क्या पकाया मैंने? Financial reporting framework. फिर क्या पकाया? दोष चार्ज विद गवर्नेंस।
फिर तीसरा क्या पढ़ा है, क्या पब्लिक यहां तक साथ में है? ओके, अब उसके बाद वाला कंसेप्ट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू सफिशिएंट, एंड क्या पढ़ा था अपन ने, अप्रोप्रिएटनेस। तो अब तुम क्या करोगे, बुक में सफिशिएंट के नीचे एरो मार्क करके लिखोगे क्वांटिटी, पहले देख लो कैसे करना है। अप्रोप्रिएटनेस के नीचे एरो मार्क करके क्या लिखोगे, क्वालिटी। वहां पे ऐसा कोई पिज्जा विज्जा कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखोगे, ये वाला एग्जाम्पल में याद है हमारे पास इनवॉइस था, इंस्टॉलमेंट वाउचर नहीं था, बैंक स्टेटमेंट था, फिजिकल वेरिफिकेशन था। क्या हम कह सकते हैं हमारे पास साई है? यस, यहाँ पे इनवॉइस था, इंस्टॉलमेंट वाउचर था, बैंक स्टेटमेंट था, फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पाए। क्या हम कह सकते हैं हमारे पास साई है? नहीं। क्या याद आ रहा है, सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है। सो वहां पे लिखो दी सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशियंट के नीचे क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस के अंदर क्वालिटी। नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज अ ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क मतलब क्या, ऑडिटर शायद एक इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा। मतलब ऑडिटर क्या बोल देगा, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, जबकि एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर। मतलब ऑडिटर से गलती हो जाएगी, वो गलत ओपिनियन दे देगा। सी, ऑडिटर फ्रॉड नहीं कर रहा है, ऑडिटर से गलती हो रही है, इसे हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। तो रिस्क दैट ऑडिटर मे इशू इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन डिस्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। वापस एक बार, रिस्क दैट ऑडिटर क्या दे देगा, एक इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन डिस्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। दो कंपोनेंट होते हैं, पहले हम कंपोनेंट को कहते हैं ROMMS। What is ROMMS? Risk of material misstatement. उसके अंदर वापस दो कंपोनेंट है, inherent risk, control risk. दूसरा कंपोनेंट आता है detection risk. ठीक है, ये कंपोनेंट वन है, ये कंपोनेंट टू है। जब सब कुछ साथ में आता है, हमें मिलता है ऑडिट रिस्क। एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूं व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क। क्या समझा रहा हूं? इनहेरेंट रिस्क। अब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे को वापस नाम के ऊपर डालना ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से पल्लवी है ना, डीमार्ट को ऑडिट करने जा रही है, पल्लवी ने ऑडिट करके वहां पे बोल दिया एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। उसके बाद वहां पे है ना फ्रॉड आया, मेरे को बताओ पल्लवी की जिम्मेदारी होगी कि पल्लवी की जिम्मेदारी नहीं होगी? पल्लवी ने ऑडिट किया, उसके बाद वहां पे भाई फ्रॉड आया, मेरे को बताओ पल्लवी की जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? डालो चैट बॉक्स के ऊपर, यस और नो, यस और नो। क्या होता है पब्लिक, होगी कि नहीं होगी? कोई बोल रहा है होगी, कोई बोल रहा है नहीं हो रही है। मेरे को बताओ, क्या मैं एज एन ऑडिटर ऑडिट कर रहा हूं तो क्या मैं कभी भी ऐसा वहां पे मां कसम खा के बोलूंगा कि जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूं? नहीं, यहां पे हम कभी भी एज एन ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते। क्या मैं एज एन ऑडिटर कभी भी क्या नहीं दूंगा, एब्सोल्यूट अश्योरेंस? क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं एज एन ऑडिटर वहां पे सिर्फ क्या दे सकता हूं, रीजनेबल अश्योरेंस। क्या दे सकता हूं मैं, रीजनेबल अश्योरेंस। क्यों? हमारे जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स, वो हमारे अकाउंट्स एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? एस्टिमेट्स। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड क्या हो जाता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। समझो एक असेट का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 70,000 है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। अब मैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 3 years लेता हूं, मैं बताऊ मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20,000, वेरी गुड। बट अगर समझो मैं वही चीज के लिए, ठीक है, समझो 70 - 10 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को 2 कर देता हूं, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 30। चलो वैसे ही अगर समझो मैं 70 - 10 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को 4 कर देता हूं, तो मेरे को मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 15,000। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि चीजें एस्टिमेट के ऊपर है। समझो ये एसी है, कितने साल टिकेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये फोन है, कितने साल टिकेगा? कोई बोलेगा सर ये फोन आपका 3 साल टिकेगा, कोई बोलेगा 2 साल टिकेगा, कोई मेरी मम्मी आके बोलेगी भाई इतना फोन क्या लेने का, 4 साल टिकेगा। हो सकता है भाई कोई आके बोलेगा सर अभी बेचना पड़ेगा। तो भाई ये एस्टिमेट है ना कि कितने साल टिकेगा। मैं पूछो बताओ ये एसी कितने साल टिकेगा, कोई बोल रहा है भाई सर 5 साल टिकेगा, कोई बोल रहा है 8-10 साल टिकेगा, कोई बोल रहा है कल के कल इसे बदलना पड़ेगा। अब नाउ दिस इज एस्टिमेट। अब जब हमारे अकाउंट एस्टिमेट के ऊपर है, तो क्या मैं एज एन ऑडिटर मां कसम खा के बोल सकता हूँ कि जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ? नहीं ना, सी एस्टिमेट में तो ऊपर नीचे होने वाला है। हो सकता है कि हमने एस्टिमेट लिया था फोन 3 साल टिकेगा, पर 2 ही साल में बिगड़ गया। हमने एस्टिमेट लिया था 3 साल, पर 4 साल तक कोई फोन में प्रॉब्लम नहीं आया। सो यहाँ पे चीजें किसके ऊपर बेस्ड है, एस्टिमेट्स के ऊपर। तो जब अकाउंट्स 100% एग्जैक्ट नहीं है, अकाउंट्स भी एस्टिमेट के ऊपर है, तो मैं मां कसम खा के बोल सकता नहीं हूं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आरडीडी। क्या पब्लिक को याद है आरडीडी? व्हाट वाज आरडीडी?
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना बैड डेट्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कंपनी बोलती है कि लेट अस से हमारा बैड डेट्स 5% होगा, क्या मैं मां कसम खा के बोल सकता हूँ कि 5% का ही बैड डेट्स होगा? नहीं ना, हो सकता है 5% के बदले 3% हो सकता है 3% के बदले भाई 20% हो। क्या मैं मां कसम खा के बोल सकता हूँ कि इतना ही बैड डेट्स होगा? क्या मेरे को बताओ क्या यहाँ पे हम अंतर्यामी है? क्या हम मां कसम खा के बोल सकते हैं क्या? नहीं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, वारंटी। वारंटी काफी बार जब कंपनीज होती है, जैसे कि अगर समझो एप्पल बोलता है ऑन एन एवरेज 5% लोग का फोन बिगड़ेगा, वारंटी क्लेम करने आएंगे। वैसे अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग ने बोला कि भाई ऑन एन एवरेज 8% लोग वारंटी क्लेम करने आएंगे, तो वो लोग ने कितने की प्रोविजन की? 8%। पर अगर तुम्हें याद हो सैमसंग ने एक फोन बनाया था नोट 8 जैसा, ठीक है, अभी जैसे कि नोट 23 चल रहा है, बट लेकिन नोट 8 एक जमाने में जब फोन बनाया था ना, उसकी बैटरी है ना ब्लास्ट हो रही थी। अरे डिफेक्टिव प्रोडक्ट था वो, वहां पे बैटरी ब्लास्ट हो रही थी। सारे जितने लोग को फोन बेचा गया था 100% कस्टमर को बोला तुम फोन लौटाओ भाई, अरे बैटरी ब्लास्ट होने का राह थोड़ी देखेंगे, किसी के पॉकेट में पड़े बैटरी ब्लास्ट हो गए, पॉकेट के साथ साथ कुछ और भी ब्लास्ट हो गया तो कंपनी ब्लास्ट हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे कंपनी ने बोला जिसका फोन का बैटरी चल भी रहा है ना, सारे के सारे लोग क्या करो हमें फोन वापस दो, हम उसे रिपेयर करके देंगे। तो जहां पे प्रोविजन 8% था, एक्चुअली में कितना हो गया 100%। तो क्या मैं अंतर्यामी हूं, मैं कह सकता हूँ वो लोग ने 8% का प्रोविजन क्रिएट किया तो 8% लोग ही वारंटी मांगने आएंगे? नहीं ना। तो हमारे अकाउंट्स एस्टीमेट के ऊपर है। अब एस्टीमेट एग्जैक्ट है कि नहीं ये कोई कह सकता नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या समझा पब्लिक को ये? पक्का? तो इसलिए मैं मां कसम खा के बोल सकता नहीं हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, एक क्या आपने बोला एस्टीमेट, सेकेंड। अब फॉर एग्जाम्पल वहां पे समझो, फॉर एग्जाम्पल रीति ऑडिट करने जा रही थी, ठीक है, अब समझो रीति ने ऑडिट किया डीमार्ट का, लेट अस से आईआरसीटीसी से एग्जाम्पल लेते हैं। आईआरसीटीसी में तुम्हें पता है दिन भर के कितने ट्रांजेक्शन होते हैं? कोई जजमेंट लगा सकता है हाउ मेनी ट्रांजेक्शन पर डे? डालो ना चैट बॉक्स के ऊपर एक वाइल्ड गेस। आईआरसीटीसी जो अपना रेलवे नेटवर्क है, दिन में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं? देयर आर 3 crore ट्रांजेक्शन अ डे। अब मेरे को बताओ रीति वहां पे जाएगी तो सारे के सारे 3 crore ट्रांजेक्शन को चेक करेगी क्या? इज इट ह्यूमनली गोइंग टू बी पॉसिबल? नहीं ना। तो वो क्या करेगी, ये 3 crore ट्रांजेक्शन से थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन को चेक करेगी। फॉर एग्जाम्पल समझो उसने इसमें से कितने ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किए, 200। तो इन अ वे यहाँ पे उसने क्या लगाया, सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे करते हैं सैम्पलिंग को, हम कहते हैं टेस्ट चेक। क्या करते हैं? टेस्ट चेक। कैसे करते हैं? आगे आराम से 3-4 घंटे का डिस्कशन आएगा, पूरा टॉपिक आएगा कि हाउ टू डू दिस। बट लेकिन क्या 100% सब कुछ चेक किया है? अब जो हमने 100% सब कुछ चेक किया ही नहीं है, तो क्या मैं मां कसम खा के बोल सकता हूँ कि जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। तो यहाँ पे हम जो सैंपलिंग कर रहे हैं ये भी तो एक प्रॉब्लम है, हम मां कसम खा के बोल सकते नहीं है। तो एक अपन ने क्या बोला एस्टीमेट, दूसरा अपन ने क्या बोला भाई वहां पे हम क्या करते हैं सैंपलिंग, तीसरा काफी बार मैनेजमेंट ही किसमें इन्वॉल्व होता है, फ्रॉड। और जब मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है उसे काफी बार ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल हमें ना वडोदरा बेस्ड हमारे क्लाइंट था, ऑडिट करने जाते थे, हमको बोला गया था वहां पे 9 वर्कर है। कितने वर्कर है? 9। एक दिन हम सरप्राइज विजिट के लिए गए, हम वहां पे गए तो उस दिन है ना 9 के बदले सिर्फ 6 वर्कर दिखे। मैंने उनको पूछा भाई आज सिर्फ क्यों 6 वर्कर है? तो एक वर्कर बोला साहब हम तो हमेशा इधर 6 वर्कर काम करते हैं। मैं बोला भाई पिछली 2 बार जब आया था 9 वर्कर थे। तो बोलते साहब हमको भी नहीं पता, जब जब आप आते हो ना हमारे फैक्ट्री के साहब क्या बोलते हैं, अरे आज बहुत काम है बहुत काम है, और बाजू के फैक्ट्री से 3 लोग लेके आते हैं कि भाई आज वो लोग हमें मदद करवाएंगे। कुछ मदद नहीं करते, उधर बैठ के ऐसा चूना खाते रहते, उधर बैठ के बीड़ी फूकते रहते, एक कुटी कौड़ी का काम नहीं करते, और फिर भी वो बीड़ी फूकने का भी साहब उनको पैसा देते। तो हमको नहीं समझता कि जब जब आप आते हो उसी दिन हमारे साहब क्यों ऐसा करते हैं। हमें पता चला कि वहां पे 9 के बदले सिर्फ कितने वर्कर्स थे, 6। फैक्ट्री मैनेजर 3 छोटे मोटे वर्कर बता रहा था, और 15,000 के हिसाब से हर एक वर्कर को कैश में पेमेंट किया जा रहा था। वो 3 वर्कर का जो पगार था 15,000 × 3 = 45,000 फैक्ट्री मैनेजर अपने जेब के अंदर डाल रहा था। तो यहाँ पे ये फ्रॉड था। जहां पे कौन इन्वॉल्व था? मैनेजमेंट खुद। अभी ये तो छोटी सी कंपनी थी, हमने ढूंढ लिया, HDFC में 1,20,000 एम्प्लॉइज है। तो जब मैनेजमेंट अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो काफी बार उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम्हें कल के लेक्चर में ना मैं सत्यम स्कैम बताऊंगा कि एक्चुअल रियल लाइफ में सत्यम स्कैम में हुआ क्या था, तो तुम्हें आगे समझेगा कि झोल होते क्या है तो ऑडिटर करता क्या है। ठीक है, तो मैं कल के लेक्चर में तुम्हें पूरा 10 मिनट लेके सत्यम स्कैम समझाऊंगा कि भाई व्हाट आर द झोल, तो तुम्हें समझे एज एन ऑडिटर झोल को पकड़ना कैसे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब मैनेजमेंट इस लेवल तक इन्वॉल्व है काफी बार इसको ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या समझा पब्लिक को ये? तो एक मैंने क्या बोला अकाउंट्स एस्टीमेट्स के ऊपर है, सेकंड हम 100% चेक ही नहीं करते, दूसरा हम लोग ने क्या बोला भाई मैनेजमेंट किसमें इन्वॉल्व है, फ्रॉड। ये जो सारे रीजंस है इसको हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस।
क्या कहते हैं हम इसे, इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट मतलब अंदर ही घुसा हुआ, इसको हम कभी भी कम कर सकते नहीं है, इसको कभी भी जीरो कर सकते नहीं है। इसके वजह से जो भी रिस्क आता है इस रिस्क को हम क्या कह देते हैं, इनहेरेंट रिस्क। क्या समझा बोले को, ये इनहेरेंट रिस्क के कारण की वजह से मैं कभी भी मां कसम खा के बोल सकता नहीं हूं कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूं। क्या समझा पब्लिक को? अब तक तो मैंने ऑडिट रिस्क का सिर्फ एक ही कंपोनेंट समझाया, इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। कंट्रोल रिस्क के ऊपर दुनिया भर की चर्चा होगी, डिटेक्शन रिस्क पे दुनिया भर की चर्चा होगी। तो पहले क्या करो, सिर्फ इतना लिखो, एंड एवरी एग्जांपल दैट आई हैव रिटन यू प्लीज राइट इट। पर लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे कंट्रोल रिस्क डिटेक्शन रिस्क लिखने की जगह मिले तो तुम अपने एग्जांपल्स थोड़े राइट हैंड साइड पे लिखना। क्या यहाँ तक पब्लिक को समझाए? So, यहाँ पे हमने क्या बोला, ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर क्या दे देगा, एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन डिस्पाइट ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वहां पे पहले अपने चालू किया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब इनहेरेंट है, इसको हम कभी भी कम नहीं कर सकते, ये रहने ही वाला है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स किसके ऊपर बेस्ड है, एस्टिमेट्स के ऊपर। वहां पे फॉर एग्जाम्पल अपने तीन एग्जाम्पल लिए, डेप्रिसिएशन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, फिर उसके बाद आरडीडी वारंटी। फिर हम 100% चेक नहीं करते, हम क्या करते सैंपलिंग। जब मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, काफी बार उस फ्रॉड को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंस आई डिड नॉट हैव प्लेस ऑन द स्क्रीन, फोर्थ एग्जांपल। जब वहां पे ना रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, कौन इन्वॉल्व होते हैं, रिलेटेड पार्टी। तो भाई काफी बार रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर झोल करना है ना एकदम ही आसान होता है। कोई बोले डी वाला पॉइंट देखना है, आई विल शो इट लेटर ऑन, ठीक है। सो रिलेटेड पार्टी में फॉर एग्जाम्पल मेरे को झोल करना है तो एकदम ही आसान है। कैसे कर सकते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ झोल? समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे को है ना, समझो सेल करने का है, आई वॉन्ट टू सेल इट टू फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कमलेस, ठीक है। मैं किसको बेचना चाहता हूँ, कमलेस। मैंने गुड्स कितने में खरीदे, 10 लाख। मैं उसको गुड्स कितने में बेचना चाहता हूँ, 20 लाख। अगर मैं डायरेक्टली कमलेस को बेचता हूँ, तो यहाँ पे अगर समझो मैं 20 लाख में बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट सीधा कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया। तो मेरे को टैक्स भी कितना आएगा 10 लाख के ऊपर, इफ आई मीन 30% ब्रैकेट, 3 लाख रुपीज मेरा क्या हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट ये कमलेस को बेचना चाहूँ 10 लाख रुपए के गुड्स 20 लाख रुपीज में, तो मेरा प्रॉफिट 10 लाख रुपीज डायरेक्टली उसके ऊपर सीधा क्या हो जाएगा मेरे को, आई मीन 30% में हूं तो 3 लाख का टैक्स। तो मैं क्या सोचता हूँ, एक काम करते हैं, मेरा एक रिलेटेड पार्टी है, लेट अस से भाई रमेश। कौन है भाई मेरा रिलेटेड पार्टी, रमेश। मैंने ये गुड्स रमेश को बेच दिए, कितने में बेचे, 12.5 लाख में। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे को तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 2.5 लाख रुपीस। इसके ऊपर अगर हम टैक्स देखेंगे तो 1 कोटी टैक्स आने वाली नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है। अब रमेश मेरा रिलेटेड पार्टी था, रमेश को मैंने क्या बोला, तूने ये गुड्स कितने में लिया, 12.5 लाख में। अब तू ये गुड्स किसको बेच दे, सुरेश को, हमारा एक और रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। कितने में बेच दे, 15 लाख। वापिस रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ, 2.5 लाख, टैक्स आने वाला नहीं है। अब मैं सुरेश को क्या बोलूंगा, तू एक काम कर, यही गुड्स तेरे पास 15 लाख रुपीज में, तो ये गुड्स महेश को बेच दे। क्या ये गुड्स तू किसको बेच दे, महेश को। कितने में ये गुड्स महेश को बेचेगा, फॉर एग्जाम्पल 17.5 लाख रुपीस में। वापिस प्रॉफिट 2.5 लाख, टैक्स एक फूटी कौड़ी का आया नहीं। अब मैं महेश को क्या बोलूंगा, भाई तू ये गुड्स किसको बेच, कमलेश को। अरे कमलेश वो मेन पार्टी है जिसको हम गुड्स बेचना चाहते थे, 17.5 लाख रुपीस के 20 लाख में। इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 2.5, कुछ भी नहीं। अब हुआ क्या होगा, मैंने गुड्स डायरेक्टली सीधा किसके उधर भेज दिया, कमलेश के पास। पर मैंने कमलेश को क्या बोला, तेरे को बिल है ना रोहित श्रॉफ का नहीं मिलेगा, तेरे को बिल महेश का मिलेगा। कमलेश बोलेगा मेरे को क्या लेना देना, बिल रोहित श्रॉफ के नाम का हो के महेश के नाम का हो। मैंने क्या किया, मैंने मेरे रिलेटेड पार्टी रमेश को बेचा, रमेश ने अपने रिलेटेड पार्टी सुरेश को बेचा, सुरेश ने अपने रिलेटेड पार्टी महेश को बेचा, महेश ने अपने रिलेटेड पार्टी आई मीन महेश ने सीधा थर्ड पार्टी कमलेश को बेचा। तो गुड्स एक्चुअली गए 10 लाख के 20 लाख रुपए में, पर मैंने 1 रुपए का टैक्स भरा क्या, नहीं। यहाँ पे इसे ढूंढना काफी बार भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, बिकॉज ऑडिटर जब आएगा, ऑडिटर क्या देखेगा मेरे बुक्स में, कि क्या रमेश को सेल किया है, यस। क्या उसे इनवॉइस दिखेगा, यस। वहां पे क्या उसे बैंक स्टेटमेंट के अंदर एंट्री दिखेगी, यस। अगर वो रमेश से पूछताछ करेगा तो यस, इंक्वायरी करने पे भी वो भी आंसर देगा कि बराबर है। तो यहाँ पे ऑडिटर तो कुछ ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो काफी बार ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को भी ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस, या दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हाट, इनहेरेंट लिमिटेशन। इसलिए मैं एज एन ऑडिटर कभी भी मां कसम खा के बोल सकता नहीं हूं। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस, पक्का, ठीक है। सो यहाँ लास्ट में सिर्फ जहां पे तुमने तीन एग्जांपल लिखे थे, ये चौथा वाला एग्जांपल लिख दो। चौथा वाला एग्जांपल का हेडर क्या लिखोगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। यस, देखो यहाँ पे इन दिस केस मेरे को गुड्स बेचने थे डायरेक्टली कमलेश को, इसको समझ गए
डोंट वरी, जिसको नहीं समझा समझो, मेरे को वर्ड्स बेचने थे 10 लाख के, 20 लाख के कमलेश को, मैं डायरेक्टली कमलेश को बेचता, मेरा 10 लाख का प्रॉफिट होता, 10 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से कितना हो जाता, 3 लाख टैक्स। मैंने मेरे किसी रिलेटेड पार्टी को बेचा, रमेश को, रमेश को मैंने क्या बोला कि ये चीज किसको बेच दे, सुरेश को, कितने में, 15, वापस प्रॉफिट आया 2.5 लाख, 2.5 के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। मैंने सुरेश को बोला यही गुड्स महेश को बेच दे 17.5 में, वापस 2.5 लाख का प्रॉफिट, कोई टैक्स नहीं। महेश को बोला अब तू ये किसको बेच दे, कमलेश। हुआ क्या रहेगा, गुड्स मेरे गोडाउन से निकल के डायरेक्टली के गोडाउन में गए, बाकी सबने सिर्फ एक दूसरे के नाम का बिल बनाया। क्या एक्चुअली ऐसा कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? नहीं। पर ये कब कर सकते हैं, जब रिलेटेड पार्टीज है, तो काफी बार ऑडिटर के लिए ट्रांजैक्शन ढूंढना मुश्किल ही नहीं, क्या हो जाएगा, नामुमकिन। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस से अपना हेमंत है, ठीक है, हेमंत को आज लेक्चर के बाद डेट पे जाने का है, कितना जाने का भाई, डेट पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई मिलेगी नहीं तेरे को, बट अगर मिली तो, ठीक है, उदाहरण के नाम पे, तो उसको डेट पे जाने का है। अब डेट पे जाने का है तो उसको भाई वो सोचा कि भाई बहुत मेहनत से कोई मिली है, अब खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, नहीं, खाली हाथ जाने दो, अब ऐसे गरीब जैसे कपड़े में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो भाई वहां पे वो चुपचाप चला जाता है H&M के स्टोर में, H&M के स्टोर में जाता है, अपना ऐसा ट्रायल रूम में जाता है, मस्त एक शर्ट उठाता है, पुराना टी शर्ट अंदर लटका के आता है, नया शर्ट पहन के चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है, मेरे को बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, डालो ना चैट बॉक्स पे, हेमंत चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा सबसे पहले तो आई एम सॉरी बट हेमंत, जितने भी लोग है ना वो कान में ईयरफोन्स डाल के बैठे हुए, प्रेफरेबली उसके बिना सुनो ना, इट अफेक्ट्स योर इयर्स, ठीक है, मतलब माय वाइफ इज अ ईएनटी डॉक्टर तो मैं उसे बहुत गाली सुनता हूँ, एंड आई हैव आल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम हिम, करी एक्चुअली ऐसा है, नॉर्मल हेडफोन्स लगाओ या तो ईयरफोन्स के बिना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलेगा जो तुम्हारी मम्मी को नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, तुमसे ज्यादा रिस्क मेरा है यहाँ पे, अभी थोड़े टाइम सुन रहे हो तो ठीक है, बट लॉन्ग आवर्स के लिए डोंट कीप ऑन वेयरिंग दोस ईयरबड्स, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए सुन लो, चलेगा, मेरे को बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, बोल रहा है चलेगा नहीं, पकड़ा गया तो, अच्छा पकड़ा नहीं गया तो चलेगा, मेरे को तो बताओ पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, सात्विक बोल रहा है पकड़ा जाएगा, कितनी बार ट्राई कर चुका है तू, सच बोल, पकड़ा जाएगा, क्यों पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, अच्छा आर्या बोल रहा है उसके अंदर ऐसा वो सेंसर होता है, कोई सीसीटीवी में देखता रहेगा क्या, चाहे हिम्मत कौन सा टी शर्ट पहन के आया था, कौन सा शर्ट पहन के बाहर जा रहा है, कोई इतना वेला है लाइफ में, अच्छा स्टाफ होते हैं, स्टाफ देखते रहते हैं तू क्या पहन के आया था और क्या पहन के गया, वहां पे ना वो लोग ने कपड़ों के अंदर क्या लगा के रखा रहता है, एक बार कोड, जब तक वो बिलिंग काउंटर के ऊपर स्कैन नहीं हुआ ना और उसको बाहर लेके गए ना, बजर बजने लगेगा, तुमने देखा रहेगा अंदर पीछे ना एक मैग्नेट से चीज होती है जिसको वो लोग निकालते हैं, जब तक वो नहीं निकाला और उसको बाहर लेके गया ना तो तेरा बजर बजने लगेगा, ये एक इंटरनल कंट्रोल है, क्या ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल, तो अपन ने H&M में एक एग्जाम्पल देखा किसका, इंटरनल कंट्रोल का, ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसलिए बनाए जाते हैं जस्ट सो दैट कोई भी कंपनी में एरर्स एंड फ्रॉड कम हो जाए, ठीक है, अब ये इंटरनल कंट्रोल बनाता कौन है, मैनेजमेंट, क्या इंटरनल कंट्रोल बनाता कौन है, मैनेजमेंट, ऑडिटर बनाएगा कि मैनेजमेंट बनाएगा, मैनेजमेंट, मतलब H&M में भाई ऐसा कोई आके शर्ट चोरी ना करके जाए, जिंदगीरी ना करे, ये कंट्रोल ऑडिटर ने बनाया कि मैनेजमेंट ने बनाया, मैनेजमेंट ने, क्या ये समझा सबको, तो ये कब ने एग्जाम्पल लिया H&M का, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अमेजोन का, अब अमेजोन में ना परचेज बराबर से रिकॉर्ड होना जरूरी है, देखो परचेज सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ ना तो दुनिया भर का घफला हो जाएगा, क्यों, समझो वो लोग ने 1000 iPhone 15 खरीदे बट वो लोग ने ना रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब भाई तू वहां पे उसके वेबसाइट पे जा रहा है और तू बाय करना चाहता है iPhone 15, देखो क्या दिखेगा, आउट ऑफ स्टॉक, जबकि उनके पास पड़े हुए, वाइज वर्सा, वो लोग ने भूल से डबल एंट्री पास कर दिया, तो 1000 के बदले कितने दिखने लगे, 2000, तू 1000 के बाद खरीदने जा रहा है, मेरे को बताओ क्या वहां पे उनके पास बेचने के लिए कुछ है क्या, नहीं, तो एंट्री बराबर से रिकॉर्ड होना चाहिए, वो बोले भाई देखो हम एक बंदे पे भरोसा नहीं करेंगे, हम पूरा एक प्रोसेस बना रहे हैं, सबसे पहले हमारे कंपनी में एक वेयरहाउस कीपर होता है, ठीक है, तो वेयरहाउस कीपर स्टेप नंबर ए में, वेयरहाउस कीपर मतलब एक गोडाउन कीपर होता है, जब गुड्स अंदर आते हैं वो देखता है कि अच्छा 1000 iPhone 15 आए, उसे बराबर लगे तो ही वो गोडाउन के अंदर आने देगा, वरना बाहर ही भेज देगा, अगर उसे पता चला 1000 iPhone 15 नहीं है तो 14 भेजे हुए, गोडाउन कीपर ही भेज देगा, बोले भाई हम गुड्स एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, तो पहले गोडाउन कीपर ने देखा, मतलब वेयरहाउस कीपर ने, गुड्स अंदर आ गए, उसके बाद सेकेंड स्टेप में एक रिक्विजिशन ऑफिसर होता है, रिक्विजिशन ऑफिसर वो जिसने ऑर्डर प्लेस किया होता है, पब्लिक का क्वेश्चनिंग हुआ क्या, क्वेश्चन चालू हुआ क्या, एक भी लेक्चर कोई बोल रहा है, अच्छा हाँ यार फॉरगॉट, थोड़े लोग रेगुलर वाले भी है यहाँ पे, कोई नहीं जाने दो, ठीक है, जिनका हुआ तुमने रीऑर्डर जैसा कुछ सुना रहेगा,
ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ जाने दो, वहां पे एक रिक्विजिशन ऑफिसर होता है जो ऑर्डर प्लेस करता है कि हमें कितने गुड्स चाहिए। अब ये जो रिक्विजिशन ऑफिसर है ना, उसको डिटेल में पता है कि कौन से गुड्स चाहिए, कितने आईफोन 15 है, कितने उसमें से 256 GB है, कितने 128 GB है, कितने व्हाइट कलर है, कितने ब्लैक कलर है, कौन सी चीज है, ये सारी चीज है किसको पता होगा, रिक्विजिशन ऑफिसर, वो चेक करेगा। तो पहले ने चेक किया, उसने एक टिक मार्क किया, रिक्विजिशन ऑफिसर ने चेक किया, उसने अपना टिक मार्क किया, उसके बाद आखिर में आएगा एक परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर देखेगा क्या ये ऊपर दोनों लोगों के टिक मार्क्स है, फिर वो जाके क्या पास कर देगा, एक एंट्री, क्या पास कर देगा, एक एंट्री। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल अमेज़न ने बनाया जस्ट सो दैट एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। कितने लोगों के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट है, तीन। क्या यहां तक सबके दिमाग में गया, ये एक इंटरनल कंट्रोल है, मेरे को बताओ ऑडिटर ने बनाया कि मैनेजमेंट ने बनाया, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, ऐसी सिस्टम्स बनाई है जिससे एरोजन फ्रॉड ना हो। टेक्स्ट बुक दिए जाते हैं, तो यहाँ पे तुम सब ऑनलाइन हो, तुम्हें तो भाई काफी बार कुरियर और एक्सवाइजर चीजें आती होगी, बट लेकिन व्हेन यू कम टू ऑफलाइन क्लासेस, वहां पे ना हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट एक बुक के बदले दो बुक लेके गया। अब हमने तो क्या किया रहेगा, समझो फॉर एग्जांपल है बोरीवली ब्रांच है, वी नो बोरीवली ब्रांच के ऊपर फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट्स है, हमने कितनी बुक प्रिंट करवा के बोरीवली ब्रांच पे रखी रहेगी, 500। अब अगर समझो 20 स्टूडेंट ऐसे है जो एक के बदले दो बुक लेके गए, तो हमारा 20 बुक्स का क्या हो जाएगा शॉर्टफॉल, ये एक ब्रांच में, मल्टीपल ब्रांचेस भी हो सकता है। हो सकता है अंधेरी ब्रांच वाला कोई स्टूडेंट बोरीवली आके बुक्स लेके गया, ठीक है, तो उसने बोरीवली से भी बुक लिया, अंधेरी से भी बुक लिया, तो समवेयर यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट एक बुक ले रहा है कि दो ले रहा है। इसके लिए हमने एक इंटरनल कंट्रोल बनाया है, हर एक स्टूडेंट को क्या दिया जाता है, फी रिसीट। रिसीट के पीछे जो यहाँ पे काका खड़े रहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन है, जैसे बुक दोगे रिसीट के पीछे सब्जेक्ट का नाम लिखो और प्रेफरेबली डेट या कुछ लिख दो, डेट नहीं तो एटलीस्ट सब्जेक्ट का नाम लिखो। तुम्हें ऑडिट की बुक दे दी गई तो हम वहां पे रिसीट के पीछे क्या लिख देंगे, ऑडिट। अब तू ये सेम रिसीट लेके मुंबई की कोई भी ब्रांच में गया और बोला ऑडिट की बुक दो, तो तेरे को ऑडिट की बुक कोई देने वाला नहीं है। तो ये हमारा इंटरनल कंट्रोल हो गया। मेरे को बताओ ये ऑडिटर ने बनाया कि मैनेजमेंट ने बनाया, क्या सबको यहां तक समझा? मैंने अब तक तुम्हें सिर्फ क्या समझाया, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, हैज एवरीवन अंडरस्टूड सो फार, पक्का? ठीक है, अब हम ये समझते हैं व्हाट इज कंट्रोल रिस्क। देखो टॉपिक तो क्या है पता है, हमें समझना क्या है, कंट्रोल रिस्क। मैंने तुम्हें समझाया इंटरनल कंट्रोल, नाउ व्हाट इज कंट्रोल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से H&M की बात करते हैं, हेमंत फॉर एग्जाम्पल वहां पे गया था, ठीक है। अब जब वहां पे गया था तो वहां पे उसने देखा कि भाई ये तो कंट्रोल्स बराबर से चल रहे हैं, वहां पे भाई मैं दूसरा शर्ट पहन के नहीं जा सकता, तो बेचारा बड़ा निराश होकर बाहर आया। निराश होकर बाहर आया, उसे सोचा कि देखो कपड़े तो भले गरीब जैसे, उसके लिए सामने वाले के लिए कुछ लेके तो जाना चाहिए, खाली हाथ लेके जाएंगे अच्छा लगेगा, नहीं, पर गरीब के जेब में पैसा नहीं था, वो चला गया डीमार्ट। क्या वो कहां पे चला गया, डीमार्ट। वो डीमार्ट गया और डीमार्ट जाके वो सोचा कि एक काम करता हूं, फरेरो रोशेस होती है फरेरो रोशेस, वो सोचा कि दो चौड़ी चौड़ी फरेरो रोशेस उठाता हूँ डालता हूँ आगे के जेब में, दो चौड़ी चौड़ी फरेरो रोशेस उठाता हूँ डालता हूँ पीछे के जेब में, और चुपचाप वहां से निकल जाता हूँ। अब मेरे को बताओ क्या ये चलेगा, चलेगा, क्योंकि फरेरो रोशेस के ऊपर वो लोग ने ना वहां पे कोई बारकोड नहीं लगाया हुआ है, जो चौड़ी फरेरो रोशेस है उसके ऊपर कोई बारकोड लगाया हुआ नहीं है, जो बड़ी वाली है उसके ऊपर बारकोड लगाया है। किसी दिन डीमार्ट जाओगे तो अगर कोई चौड़ी वाड़ी चॉकलेट होगी उठा के अगर समझो वहां पे ट्रायल रूम में चले गए मस्त खा पी लिया, तो किसी को पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। क्या वहां पे कोई कंट्रोल्स नहीं है? अब इंटरनल कंट्रोल ना होने की वजह से जो रिस्क आएगा उस रिस्क को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रिस्क। तो डीमार्ट में वहां पे जो छोटी छोटी चॉकलेट है उसके ऊपर कोई इंटरनल कंट्रोल लगाया नहीं है। अमर बोल रहे मस्त प्लान है, अबे वजन बढ़ते जा रहा है, तेरे को अंदर जाके भी डीमार्ट में जाके फरेरो रोशेस ढूंढनी है, लाइफ में सीए बनने जा रहा है और आगे जाके ढूंढनी है तेरे को जिंदगीरी करके, नाम के आगे सीए लगाना चाहता है कि सिर्फ सी लगाना चाहता है, गजब का क्या कर रहा है, पब्लिक को एक प्लान पे बजा रहा है। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, तो फॉर एग्जांपल हेमंत बोल रहे सर आपने बोला था ईयरफोन्स निकाल के मैं सब सुन सकता हूँ, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस, तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं थे, कंट्रोल ना होने की वजह से जो रिस्क आएगा इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रिस्क। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे ही ये हुआ ना, हेमंत सोचा कि यार ये तो मस्त है, फरेरो रोशेस उठा के जा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे डीमार्ट में भी तो कपड़े मिलते हैं, चलो H&M जैसे नहीं मिलते पर कपड़े तो मिलते हैं, ये लेके जाता हूं, पर वो लोग ने कपड़ों के ऊपर क्या लगा के रखा था, बारकोड, तो वो लेके जा पा रहा था नहीं। थोड़े टाइम बाद वो वहां पे खड़ा था, तो डीमार्ट में उसे देखा कि दो आंटी लोग के ना झगड़े चल रहे थे, क्या दो आंटी लोग के क्या चल रहे थे, झगड़े। और अपने हेमंत को है ना आंटी के झगड़े सुनने में बहुत मजा आता है, एकदम बिग बॉस का बड़ा फैन है, तो जैसे झगड़े चल रहे थे वहां पे चला गया आंटी के झगड़े सुनने के लिए, क्या हो क्या रहा है। तो वो क्या रहा था बताए, उस दिन बारकोड का सिस्टम चल नहीं रहा था, पहले वाली जो आंटी थी उसने दुनिया भर की शॉपिंग की थी, तो वहां पे ना भाई उसको बहुत टाइम लगने वाला था। दूसरी वाली आंटी ने शॉपिंग के नाम पे अपनी बच्ची के लिए सिर्फ एक लेस का पैकेट खरीदा हुआ था,
तो सेकंड वाली आंटी रिक्वेस्ट करी थी पहले आंटी को कि मैंने तो एक लेजी खरीदी है, मेरे को पहले आगे जाने दे, तेरे को तो बहुत टाइम लगेगा। पर पहले वाली आंटी बोली, नहीं भाई हम कतार में आगे, हम किसी को आगे नहीं जाने देंगे। और दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। ये पूरे झगड़े के बीच अपने हेमंत को क्या दिखा भाई, मौका। और इस मौके के ऊपर हेमंत ने क्या मार दिया भाई, चौका। वो बोला भाई बारकोड सिस्टम चल नहीं रहा है, आज अंदर जाके जो भी शर्ट पहन के बाहर निकल गया आज बारकोड बनने वाला नहीं है। तो चुपचाप चला गया डीमार्ट के अंदर, डाला नया नया शर्ट, पुराना गंदा गंदा शर्ट वहां पे छोड़ के आ गया और चुपचाप बाहर निकल गया। मेरे को बताओ क्या वो पकड़ा जाएगा क्या? नहीं। यहाँ पे कंट्रोल्स थे पर कंट्रोल्स वीक थे। क्या कंट्रोल्स क्या थे? वीक थे। बारकोड बनाया था पर बारकोड सिस्टम डाउन हो गया, इसके वजह से जो एरर्स एंड फ्रॉड होंगे इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क दो कारण की वजह से आता है, एक तो कंट्रोल है ही नहीं, या तो कंट्रोल्स है पर वो कंट्रोल्स क्या है, वीक है, इसके कारण की वजह से जो रिस्क आता है इसे हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। क्या यहां तक सबको समझा? अमेज़न के केस में जाते हैं। समझो फ्राइडे का दिन था, वेयरहाउस कीपर ने एंट्री पास किया, उसने देखा कि भाई हाँ कुछ बराबर है, 1000 iPhone 59। रिक्विजिशन ऑफिसर ने देखा, वो भी बोला भाई कुछ बराबर है। परचेज मैनेजर ने देखा, दोनों ने टिकमा किया, उसने एंट्री पास कर लिया। फिर फ्राइडे का दिन था, घर जाके भाई वो जो परचेज मैनेजर था अच्छा खासा खाया, अच्छा खासा पिया। सैटरडे के दिन उसको छुट्टी थी, वो थोड़ी सी एंटर कर रहा था, उसने भी अच्छा वापस खाया, अच्छा खासा पिया। संडे के दिन अच्छा खासा बैठ के सिर्फ पिया। जब मंडे को आया ना तो फुल हैंगओवर में आया, उसको पता ही नहीं है कि पिछले 3 दिन में उसके जिंदगी में हुआ क्या है। अब जब वो आया तो उसको अपने डेस्क के ऊपर सिर्फ एक बिल दिखा, 1000 iPhone 15 का। उसे याद ही नहीं था कि उसने इसकी एंट्री ऑलरेडी फ्राइडे को पास कर दिया है। भाई साहब ने वापस वो 1000 iPhone 15 की एंट्री एक और बार पास कर दी। अब सिस्टम में 1000 iPhone 15 दिख रहे हैं कि 2000 iPhone 15 दिख रहे हैं। अब यहां पे कंट्रोल वापस वीक था। क्यों वीक था? देखो दो में से एक चीज होना चाहिए था, या तो हमारा आईटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए था। कंप्यूटर सिस्टम में ये ना एक एरर दिखना चाहिए था कि देखो सेम डेट सेम सीरियल नंबर का सेम पार्टी का सेम अमाउंट का बिल अगर दो बार डालो तो वहां पे एक एरर आना चाहिए, दिस इज अ डुप्लीकेट एंट्री, या दिस इज अ डुप्लीकेट एंट्री। क्या ऐसा कोई एरर आया क्या? नहीं। मतलब हमारा इंटरनल कंट्रोल बराबर से चल रहा नहीं है। चलो अगर आईटी सिस्टम नहीं तो एक मैनुअल कंट्रोल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एक मैनुअल कंट्रोल। मतलब जब वहां पे उसने एंट्री पास की उसको एटलीस्ट वो बिल के ऊपर टिक मार्क करके डेट डाल देना चाहिए था कि ऑलरेडी लेट्स से 14 फेब को एंट्री पास की। तो जब वो नेक्स्ट टाइम आता वहां पे तो उसे दिखता है मंडे को कि देखो मैंने ऑलरेडी फ्राइडे के दिन पे एंट्री पास कर दिया, मैंने खुद का टिक मार्क है। क्या वापस वो एंट्री डालता क्या 1000 iPhone 15 की? नहीं। तो यहां पे कंट्रोल्स थे पर कंट्रोल्स क्या थे? वीक थे। क्या कंट्रोल्स थे पर कंट्रोल्स क्या थे? वीक थे। इसके वजह से जो रिस्क आया इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल रिस्क। Has everyone understood so far? लास्ट जीकेसी फॉर एग्जाम्पल लेट अस से नया बैच चालू हो रहा था, ठीक है, रेगुलर बैच चालू हुआ था 13 फरवरी से, सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। अब भाई काका बाहर बैठ के हर एक की रिसीट के ऊपर क्या लिख रहे थे? नाम। मैंने काका को बोला भाई फटाफट से लेक्चर चालू करना है, फटाफट सबको बुक्स दे दो, बाकी की चीजें बाद में देखना। तो काका ने भरोसा करके दे दिया और काका ने सबको बोला भाई काम करो, जाओ बुक्स लेके जाओ ना तुम्हारा लेक्चर मिस होगा, बाहर आते आते तुम मेरे पास से साइन लेके जाना जिस जिसने बुक्स लिया है। अब काफी सारे बुक्स स्टूडेंट्स ने बुक्स लिया, बट क्या बाहर जाके काका को बोलेंगे कि हमने बुक्स लिया था? नहीं। कंट्रोल था पर कंट्रोल क्या था? वीक था। इसके वजह से जो रिस्क आता है इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल रिस्क। क्या समझा पब्लिक को ये? तो जब मैं इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिला देता हूं तो मेरे को मिलता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब क्या चांसेस है कि बुक्स के अंदर शायद गलती हो सकती है? हम श्योर नहीं है, हमें लग रहा है कि शायद गलती हो सकती है। हमें यहाँ पे ये ऑडिट करने के पहले हम जज कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे कंट्रोल वीक है, यहाँ पे भाई समझो स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है बुक्स लेके जाओ, बाहर आते हो क्या करवा लेना साइन। हमें लग रहा है यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। डीमार्ट में वहां पे फरेरो रशर के ऊपर, कैडबरी के ऊपर, डेरी मिल्क के ऊपर कोई बारकोड नहीं लगाया। हमें लग रहा है कि पब्लिक फोकट में जाके वहां पे खा सकते। हम श्योर नहीं है गलती या एरर या फ्रॉड होगी कि नहीं, पर हमें लग रहा है यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। H&M में हमें नहीं लग रहा है कि कोई बंदा पुराना शर्ट डाल के नया शर्ट लेके जाएगा, बिकॉज वहां पे मेरे को पता है कंट्रोल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये ROMMS क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो ऑडिटर को पहले लग रहा है कि शायद ये गलती हो सकती है। Has everyone understood this? तो ROMMS के दो कंपोनेंट है, एक क्या था? इनहेरेंट रिस्क, मतलब मैं मां कसम खा के बोल सकता नहीं हूं। दूसरा क्या है? कंट्रोल रिस्क। तीसरा आता है डिटेक्शन रिस्क। क्या आता है? डिटेक्शन रिस्क। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अपना प्रसन्न क्या कर रहा था, रात को 2 बजे बैठे बैठे किसी के साथ कंबल के नीचे छुप के चैट कर रहा था। अब जब वो चैट कर रहा था तो भाई मम्मी पानी पीने के लिए उठी थी, मम्मी को समझ गया कि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मम्मी ने बोला भाई देखो आज तो भाई इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो मम्मी एकदम गुस्से में आई कि आज तो इसको पकड़ा जाएगा, पर लेकिन जैसे ही मम्मी नजदीक आई ना प्रसन्न को पता चल गया कि मम्मी आज पकड़ने आ रही है। भाई साहब ने अपने फोन के सारे एप्स को क्या कर दिया? बंद। सिर्फ एक ही चीज खुली रखी, जेके शाह क्लासेस का टाइम टेबल। जैसे मम्मी नजदीक आई मम्मी को बोला मम्मी मैं तो सिर्फ देख रहा था कितने बजे का लेक्चर है, बस सिर्फ देख रहा था सुबह 7 बजे उठना है कि 7 बजे नहीं उठना है।
अब मम्मी बोली कि दोपहर को 2 बजे किसी दिन इसने टाइम टेबल ढंग से दिखानी है, रात को 2 बजे क्या ही टाइम टेबल दिखता होगा। तो मम्मी को समझ गया कुछ तो भी गड़बड़ है, तो मम्मी ने फोन खींचा, तहकीकात की कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है। मम्मी ने देखा, पर लेकिन मम्मी को स्नैपचैट पे जो मैसेजेस जा चुके थे वो नहीं समझे, इंस्टाग्राम के ऊपर वैनिश मोड में क्या मैसेजेस जा चुके थे नहीं समझे, मम्मी को इनकॉग्निशो मोड तो दूर दूर तक समझ में आया नहीं। तो मम्मी ने तहकीकात लगाई पर लेकिन मम्मी कोई गलती ढूंढ नहीं पाई। इस रिस्क को हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो यहाँ पे हमने हमारी प्रोसीजर्स लगाई, क्या यहाँ पे हमने हमारी प्रोसीजर्स लगाई, पर प्रोसीजर लगाने के बावजूद हम गलती नहीं ढूंढ पाए, इस रिस्क को हम क्या कहेंगे, डिटेक्शन रिस्क। तो ऑडिटर अपनी तहकीकात लगा रहा है, तहकीकात लगाने के बावजूद कोई गलती नहीं ढूंढ पा रहा है, इस रिस्क को हम क्या कहेंगे, डिटेक्शन रिस्क। जब सारे रिस्क एक साथ आ जाएंगे मुझे क्या मिलने वाला है, ऑडिट रिस्क। क्या जब सारे रिस्क एक साथ आ जाएंगे मुझे क्या मिलने वाला है, ऑडिट रिस्क। क्या यहां तक सबको क्लैरिटी है, पक्का? अब तक मेरा कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है, आई एम स्टिल येट टू डिस्कस मोर ऑन दिस, पर पहले क्या करो, ये कंट्रोल रिस्क वाला जो मैंने लिखा है, क्या ये वाला चीज लिख लिया था सबने कल, डिटेक्शन रिस्क ऑडिट रिस्क लिख लिया था। कंट्रोल रिस्क के बाजू में ये सारे एग्जांपल्स लिखो, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं। Yes, someone is asking, all these are examples of control risk. Yes. यहां तक सबका समझा, ठीक है, चलो और थोड़ी उदाहरण लेते। अब मैं ना when I was an article assistant, एकदम पहला आर्टिकल शिपर, पहला फर्स्ट डे, इनफैक्ट मतलब आई वॉज वन ऑफ द फ्यू आर्टिकल असिस्टेंट्स जिसने क्या किया था पता है, मैंने सीए इंटर का रिजल्ट आने से पहले, मतलब मेरे वक्त आईपीसीसी था, उसके पहले मैंने ना आर्टिकलशिप चालू कर दी थी। तो मैं वहां पे गया था आर्टिकलशिप करने के लिए, मेरे को पहले दिन है ना परचेज चेक करना सिखाया गया था। परचेज चेक करना बहुत सिंपल काम होता है, सबसे पहले क्या चेक करने का, डेट चेक करने का, फिर क्या चेक करने का, सीरियल नंबर चेक करने का, अमाउंट चेक करने का, हमारे वक्त है ना वैट और सीएसटी हुआ करता था वो चेक करने का, और अभी आता है जीएसटी वो चेक करने का, वेरी सिंपल। तो हम लोग को एक कंपनी थी वहां पे मेरा सीनियर आया, मेरे को उसने सिखाया परचेज कैसे चेक करने का, 2 घंटा मेरे साथ रुका, फिर मेरे को बोला भाई देखो आ गया, हाँ आ गया। फिर भाई साहब बोला भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू यहाँ पे कंप्लीट करके शाम को सर को रिपोर्टिंग करके कल ऑफिस आ जाना। तो बोला ठीक है, कोई बोला सो आई वॉज ऑल्सो आईपीसीसी स्टूडेंट। अच्छा ओके, अच्छा सो यू आर रीस्टार्टिंग योर जर्नी, एक्सीलेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई इन दस के सर ने बोला कि भाई ठीक है, सीनियर ने बोला ये चेक कर लेना और भाई कल आ जाना ऑफिस में, बोला ठीक है चलो मेरे को तो सिंपल लगा कर लूंगा। मैं ऑडिट कर रहा था उतने टाइम में ना, जो कंपनी जिसका वहां पे जो क्लाइंट था उसका ओनर आया, वो आके ना मेरे को एक डाउट वैट के ऊपर पूछ गया, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ऐसे तो आता था पर लेकिन इंटर्नशिप में इतना थोड़ी डेप्थ में होता है, मैं बोला यार कुछ गलत बोल दिया तो वाट लग जाएगी। तो मैं उसको बोला सर मैं ना कुछ काम कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो तो 10-15 मिनट दो फिर आके आपका डाउट सॉल्व करके जाता हूँ। तो बोला ठीक है। अब जैसे वो गया मैं चुपचाप गया वॉशरूम के अंदर, सीनियर को फोन किया कि देख भाई ये सवाल पूछ रहा है, इसका आंसर ये आएगा, ऐसा आएगा कि क्या आएगा, वो मेरे को सारी चीजें समझा दिया, वो मस्त फोन पे समझाया। मैं बाहर गया उसके केबिन में गया, जैसे सीनियर ने समझाया था कार्ड कॉपी पे वैसा वैसा इसको चिपका गया। तो भाई वो खुश हो गया कि हाँ भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं भी खुश हो गया। अब हम दोनों खुश हुए तब तक बात ठीक थी, ये सब देख के उसका अकाउंटेंट मोटिवेट हो गया, वो बोला भाई देखो इसको तो बहुत कुछ आता है। वो आधे घंटे बाद एक नोटपैड लेके आया मेरे केबिन के अंदर कि सर हमें को भी थोड़े डाउट्स है तो प्रॉब्लम ना हो तो मेरे भी थोड़े डाउट सॉल्व कर दो ना। अब उसका नोटपैड देख के मैं सोचा भाई आज मेरे को कितनी बार वॉशरूम जाना पड़ेगा पता नहीं। मैं बोला भाई क्या कर सकते हैं। तो भाई मैं ऐसा कैसे ईगो पे आ जाता ना, कैसे बोलूं मेरे को ये नहीं आता, जब उसके ओनर को नहीं बोला अकाउंटेंट को क्या बोलेगा, वो अकाउंटेंट सोचेगा भाई खुद को आता नहीं ऑडिट करने है। मैं बोला कि देखो आज मेरा पहला दिन है, थोड़ा ऑडिट कर रहा हूं, मेरे को सर को रिपोर्टिंग कर लेने दो, कल परसों आके ये सारी चीजें देखता हूं। ऐसा करके मैंने टाल दिया, शाम को 5 बजे रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग करके मैंने सर को बोला देखो ये महीने की मैंने परचेज की चेकिंग कर ली है। अब सर मेरे को बोले ठीक है अगले दिन जाके देखो नेक्स्ट मंथ की चेक करनी है। अब मैं सर को बोला यार ये अगले दिन जाऊंगा तो वापस ये अकाउंटेंट तो मेरे को पूछेगा सवाल, तो मैं सर को कैसे बोलूं। तो मैं सर को क्या बोल दिया, थोड़ा भावनाओं में बह के मैं सर को बोल दिया सर देखो मैं नया नया हूं, मेरे को इतनी ऑडिटिंग नहीं आती है, तो मेरा पहला दिन है, मेरे से अगर गलती हो गई ना आपका ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। क्या आपका क्या बढ़ जाएगा, ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा। तो भाई यहाँ पे मेरे साथ या तो सीनियर को भेजो या तो मेरे को ऑफिस बुला के एक आध हफ्ता ट्रेनिंग दो फिर अकेले ऑडिट करने के लिए भेजो। सर मेरे को बोले कि रोहित तू बोल रहा है ऑडिट रिस्क बढ़ जाएगा, क्या तेरे को पता है ऑडिट रिस्क किससे बनता है। बोला हाँ सर ये तो मेरे को आता है, 2 चीजों से बनता है, एक क्या है आरओएमएमएस और दूसरा क्या है बताओ, दूसरा क्या है डिटेक्शन रिस्क। सर मेरे को बोले कि भाई देखो ऑडिट रिस्क यहाँ पे तू जिस कंपनी में जा रहा है ना वहां पे ऑडिट रिस्क एकदम ही कम है। मैं बोला सर क्यों ऐसा। सर मेरे को बोले रोहित जिस कंपनी में तू ऑडिट करने जा रहा है ना वहां पे आरओएमएमएस एकदम ही कम है। बोला क्यों ऐसा। सर मेरे को बोले रोहित देख क्या तेरे को पता है आरओएमएमएस 2 चीजों से बनता है। बोला हाँ सर कौन सी 2 चीजों से बनता है बताओ पब्लिक चैट बॉक्स के ऊपर। एक तो आता है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा क्या आता है कंट्रोल रिस्क। बोला हाँ सर। सर मेरे को बोले कि रोहित क्या मानता है इनहेरेंट रिस्क को कभी भी हम ला ला के जीरो तो नहीं कर सकते, उतना रिस्क तो रहने ही वाला है क्योंकि हम कभी भी वहां कसम खा के बोल सकते नहीं है। बोला हाँ। तो सर मेरे को बोले आरओएमएमएस कब कब होगा पता है, जब कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा।
और कंट्रोल रिस्क कम कब होता है पता है, जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, मतलब इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे है तो हमारा कंट्रोल रिस्क क्या हो जाएगा कम। हाँ सर, सर मेरे को बोले रोहित जिस कंपनी में तू ऑडिट करने गया है ना उसके इंटरनल कंट्रोल्स आर सुपर्ब फैबुलस। मैं सर को बोला सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, सर मेरे को बोले रोहित जो ओनर है ना ही हिमसेल्फ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस अ मारवाड़ी। ठीक है, यहाँ पे कोई मारवाड़ी है तो डोंट बी ऑफेंडेड, माय बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑल्सो मारवाड़ी, बट लेकिन वो इट इज अ एक्चुअल स्टोरी, आई एम नॉट ट्विस्टिंग द फैक्ट्स, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस अ मारवाड़ी। सर मेरे को बोले रोहित उसके जेब से 2 रुपया भी ना छूटता नहीं है, उसके उधर इतने ऐसे ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स है कि भाई वहां पे कुछ गलती एरर फ्रॉड होने के चांसेस ही नहीं है। सर मेरे को बोले फॉर टू गिव यू एन एग्जांपल, ये जो क्लाइंट है ना मुंबई में एक जगह है मलाड करके, वहां पे सिचुएटेड था। सर मेरे को बोले मलाड से अंधेरी जाने की रिटर्न टिकट, ट्रेन की रिटर्न टिकट उस टाइम पे ना 4 रुपए की आती थी। सर मेरे को बोले ये जो 4 रुपए की टिकट है ना पहले खरीदता कौन है, प्यून, पर लेकिन यही 4 रुपए वो क्या मांगने आता है, रीइंबर्समेंट। क्या मांगने आता है, रीइंबर्समेंट, तो उसे 4 रुपए ऐसे ही मिलता है। प्यून को सबसे पहले क्या बतानी पड़ती है, टिकट, कि भाई वो सच्ची में यहां से अंधेरी गया था, झूठ मूठ का 4 रुपया लेके गया। तो टिकट के पीछे उसे लिखना पड़ता है रीजन कि वो क्यों यहां से अंधेरी गया था। उसने रीजन में लिख दिया कि भाई सेल्स मैनेजर ने भेजा था, तो भाई इन दैट केस उसे सेल्स मैनेजर का भी क्या लेना पड़ेगा, साइन कि उसने भेजा था। उसके बाद जो ओनर होता है वो ओनर वो टिकट के ऊपर क्या देता है, साइन के ठीक है सब कुछ सही है। तब जाके जो पेटी कैशियर है ना, पेटी कैशियर वो उस गरीब प्यून को जाके कितना रुपया देता है, 4 रुपया। सर मेरे को बोले रोहित बात इधर खत्म भी नहीं होती है, ये जो टिकट है उसको फिर फाइल में डाला जाता है, और फाइल में डाल के वो जो प्यून है ना प्यून उसका साइन लिया जाता है कि यू हैव रिसीव्ड दिस 4 रुपीज, वरना वो लोग बोले कि सेम टिकट 10 दिन बाद वापस बता के 4 रुपया लेके गया। तो सर मेरे को फोन पे बोले रोहित 4 रुपए के लिए इस कंपनी में इतने इंटरनल कंट्रोल है, अब मैं देखो फोन पे क्या बताऊं कि 4 लाख और 40 लाख के लिए भाई सब क्या क्या इंटरनल कंट्रोल बना के बैठा है। वी हैव टेस्टेड द इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड, इसलिए कंट्रोल रिस्क कम है, इसलिए आरओएमएमएस कम है, इसलिए हमारा एनटीई क्या, इसलिए हमारा एनटीई कम होना चाहिए। व्हाट इज एनटीई, सब ध्यान से सुनो, एनटीई इज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हम क्या ऑडिट करेंगे, कितना ऑडिट करेंगे, कब ऑडिट करेंगे, सारी चीजें क्या हो जाना चाहिए, कम। क्या सारी चीजें क्या हो जाना चाहिए, कम। सर मेरे को बोले जब रिस्क कम है तो तेरी चेकिंग क्या होनी चाहिए, कम। क्या जब रिस्क कम है तो तेरी चेकिंग क्या होनी चाहिए, कम। तो मैं सर को बोला कि चलो बात तो समझो कि रिस्क कम तो हम चेकिंग भी क्या करेंगे, कम। तो मेरे को क्यों भेज रहे हो यहाँ पे चेक करने के लिए, कल नहीं पे करता ना मैं, कम चेक करता हूँ। तो सर मेरे को बोले रिस्क कम इसलिए चेकिंग कम, ये तेरे को और मेरे को पता है। अगर वो मारवाड़ी को जाके बोला ना कि रिस्क कम तो चेकिंग कम, तो वो बोलेगा फीस भी कम, वो अपने को नहीं चलेगा। तो वहां पे देखो जाके दिखावा करने का है कि तू परचेज का छोटा मोटा चेक करना है, बाकी हमारा कोई ऑडिट रिस्क बढ़ने वाला नहीं है। तो ये पूरे डिस्कशन में मेरे को सर के पास से सीखने क्या मिला पता है, आरओएमएमएस अगर कम है तो मेरा ऑडिट में एनटीई क्या हो जाने वाला है, कम। क्या समझ रहे आप अपने को, ठीक है। अब इससे 1.5 साल बाद मैं ऑडिट करने गया वडोदरा क्लाइंट में। कौन सा क्लाइंट पता है, वो पता है मैंने बोला था 9 के बदले 6 वर्कर निकले थे। वो कंपनी क्या करती थी, अपने जो शर्ट के लिए थ्रेड्स आती है ना, थ्रेड्स को पहले डाई करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, उसका प्रोसेस था। मैं जब ऑडिट करने जा रहा था, सर मेरे को बोले थे रोहित देख एकदम ध्यान से करना, बिकॉज तू जिधर ऑडिट करने जा रहा है वहां पे आरओएमएमएस बहुत ज्यादा है। मैं सर को बोला क्यों, तो सर मेरे को वापस सेम ज्ञान फेल दिए कि क्या मानता है आरओएमएमएस 2 चीजों से बनता है, मेरे को बताओ कौन सी 2 चीजों से बनता है, एक है इनहेरेंट रिस्क और एक क्या है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क तो भाई हम कभी भी जीरो कर सकते नहीं है, हमारा आरओएमएमएस ज्यादा कब होगा जब कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, और कंट्रोल रिस्क ज्यादा कब होगा पता है, जब इंटरनल कंट्रोल्स वीक होंगे। सर मेरे को बोले जिस कंपनी में तू ऑडिट करने जा रहा है ना इंटरनल कंट्रोल्स वीक क्या ना के बराबर है, ओनर है ना 55 ईयर्स के एक सिंधी अंकल थे, बोले एकदम भगवान के आदमी है, उनके कोई बच्चे नहीं है, इसलिए उनको ऐसा होता है कि भाई ठीक है पैसा लुटाओ मेरे को कितने पैसे की जरूरत है। तो भाई वो दुनिया भर का सबके ऊपर भरोसा करते हैं, और उनके फैक्ट्री मैनेजर्स नलायक है, दुनिया भर का फ्रॉड करते रहते हैं, वही कंपनी में 9 के बदले में 6 वर्कर्स मिले थे। तो सर मेरे को बोले इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, इंटरनल कंट्रोल ना के बराबर है, इसलिए कंट्रोल रिस्क क्या है ज्यादा, इसलिए आरओएमएमएस ज्यादा है। इसलिए सर मेरे को बोले रोहित तेरी एनटीई भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो आरओएमएमएस ज्यादा तो हमारी एनटीई क्या हो जाएगी, चेकिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर रिस्क ज्यादा है मैं चेकिंग ज्यादा करूंगा ना तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा, क्या डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा, कम। हमें क्या चाहिए, पूरा ऑडिट रिस्क क्या होना चाहिए, कम। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से समझो कोई बोला एनटी मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, क्या ऑडिट करेंगे, कितना ऑडिट करेंगे, क्या होता है, ये डिटेल में आगे आएगा। इनफैक्ट इंटरनल कंट्रोल्स भी क्या होता है ना चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में आएगा, पूरा चैप्टर नंबर 3 इंटरनल कंट्रोल के ऊपर है। मैं तो तुम्हें सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, मैं सिर्फ वर्ड का मतलब बताया, डिटेल में हम सब करेंगे आगे। कमिंग बैक टू दिस, एनटीई मतलब हम कितना ऑडिट करेंगे, ऑफिस एक बार वहां पे इसका कुछ करना है यार, सबका नाम देखे मेरे को यार। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अपना ओम है ना, फॉर एग्जाम्पल रात को 12 बजे
अपने मम्मी पापा दादा दादी सबके साथ ड्राइव पे जा रहा था जगजीत सिंह की गजल सुनते सुनते। वहां पे लेट अस से फॉर एग्जाम्पल नाकाबंदी थी, पर क्या पांडू को ज्यादा वहां पे रिस्क लगा क्या? नहीं। तो वहां पे वो लोग को रिस्क ज्यादा नहीं लगा, तो वो लोग ने कुछ ज्यादा चेक नहीं किया, वो लोग ने छोटा मोटा चेक किया और उसको छोड़ दिया। बट वाइस वर्सा, तो वो रात को भाई 12 बजे अपने पेरेंट्स दादा दादी के साथ जा रहा है, तो पांडू को रिस्क नहीं लगा, रिस्क ज्यादा नहीं लगा तो चेकिंग भी ज्यादा नहीं हुआ। बट लेट अस से फॉर एग्जाम्पल वहां पे पांडू को रिस्क ज्यादा लगा। फॉर एग्जाम्पल वो 2 बजे अपने दोस्तों के साथ यो हनी सिंह के गाने सुनते सुनते जा रहा था, तो भाई वहां पे पांडू को रिस्क क्या लगा ज्यादा? तो उसने भाई रुका के दुनिया भर की चीजें चेक की, ठीक है भाई, उसे भाई वो सारे बैग्स चेक किए, ठीक है, सीट कवर थे उसे फाड़ के देखा कि उसके अंदर कोई चरस गांजा तो नहीं डाल के रखा हुआ है, सब गांजा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए, तो वहां पे सारी चीजें क्या की ढंग से पूरी तरह से चेक की कि भाई वहां पे कोई ज्यादा एरर, वहां पे कोई ज्यादा गलती होने के चांसेस तो नहीं है। तो जब रिस्क ज्यादा होगा हमारा चेकिंग क्या होगा? ज्यादा। जब रिस्क कम होगा हमारा चेकिंग क्या होगा? कम। इसके ऊपर घुस के आईसीआई ने एक सिंपल सा एमसीक्यू पूछा, ठीक है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे मेरे को आंसर देगा। क्या पूछा एमसीक्यू? देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन आरओएमएमएस एंड एनटीई। क्या देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन आरओएमएमएस एंड एनटीई? डालो सब लोग चैट बॉक्स के ऊपर। देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन आरओएमएमएस एंड एनटीई। चलो, वेरी गुड, एवरीवन गिव द राइट आंसर। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एक्सेप्ट फॉर वन स्टूडेंट। इनडायरेक्ट क्यों आएगा ना? डायरेक्ट, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आरओएमएमएस ज्यादा तो एनटीई ज्यादा, आरओएमएमएस कम तो एनटीई कम। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? पर लेकिन सोचो, एक सिंपल सा चिंदी सा एमसीक्यू समझने के लिए यू हैव टेकन मोर देन 1 आवर, बिकॉज कल के लेक्चर में भी लास्ट का 15-20 मिनट मैंने तुम्हें यही सिखाया था। आज भी अगर तुम देखोगे तो सिंस 40 मिनट्स आई बीन टीचिंग यू दिस, अगर तुम्हें कंसेप्ट समझा तुम्हें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें कल क्या बोला था? डटे रहो, बने रहो और पूरी तरह से। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक से पकते रह रहा है, डटे रह रहा है, बने रह रहा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा? डायरेक्ट। तो वहां पे नीचे एमसीक्यू लिख लो, डैश रिलेशनशिप बिटवीन आरओएमएमएस एंड एनटीई। कौन सा आंसर आ जाएगा यहां पे? डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या समझा पब्लिक को ये? अरे करेंगे अपन सारी चीजों में, एनटी कैसे डिसाइड करनी है, क्या करना है, हम आगे के चैप्टर्स में सारी चीजें वही सीखने वाले। आज तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, ये तो तुम्हारे ऑडिट की शुरुआत तक नहीं हुई है, ठीक है। वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड टू, सो फार देखोगे तो तुमने क्वेश्चन क्या पढ़ा सब, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। तो अब तक हम ऑडिट में 1% भी आगे नहीं बढ़े हैं। एज एंड व्हेन वी मूव अहेड ये सब कुछ आएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक कंसेप्ट के बीच बीच में जब वर्ड आए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जब वर्ड आए वहां पे ऑडिट रिस्क, जब वर्ड आए डिटेक्शन रिस्क, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कहना क्या चाहता है, वरना तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ। Has everyone understood so far? पक्का? ठीक है। So यह हमारा क्या हो गया? Risk. So coming back to this, audit risk में दो component है, ROMMS, detection risk. ROMMS के अंदर वापस क्या था? Inherent risk था, control risk था. फिर उसके बाद detection risk, जब सारे risk एक साथ आ जाएंगे हमें क्या मिलेगा? Audit risk. ठीक है, हमने inherent risk भी समझा, control risk भी समझा, detection risk भी समझा, और सबके बीच में क्या relationship है वो भी समझा। चलो तो शुरुआत करते हैं, खेलते हैं पहला सवाल ऑफ कौन बनेगा ऑल इंडिया रैंकर्स। तो भाई यहाँ पे कौन उत्तर देगा? चलो पहला सवाल है, तो आई कीप इट ओपन टू एवरीवन। आगे के सवालों में मैं जिनको पूछूंगा वही स्टूडेंट मेरे को क्या करेंगे? आंसर देंगे। बट नाउ लेट अस कीप इट ओपन टू एवरीवन। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ऑडिटर। ये तीन में से, ये चार में से कौन सी चीज को ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है? ए डिटेक्शन रिस्क, बी कंट्रोल रिस्क, सी इनहेरेंट रिस्क, या डी ऑल ऑफ द अबव। लेट मी पुट अ पोल हियर, लेट अस सी पब्लिक आंसर क्या कर रहा है। चलो देखते हैं जनता क्या कहती है, व्हाट इज द ऑडियंस पोल। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू आंसर। देयर आर हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग राइट नाउ? कितने लोग हैं? 69, सो मेरे को छोड़ के 68। आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू आंसर दिस। ए 20% saying B, 20% D, चलो C कम है। Everyone, has everyone answered? अभी भी क्लास में 10 लोग सो रहे। Quick, quick, quick. Quick. ठीक है, एंड पोल करके रिजल्ट शेयर करो, शेयर रिजल्ट्स। So, अगर तुम यहां पे देखोगे तो 32 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड ए, बी 11 लोग ने दिया, सी 7 लोगों ने, और डी
11 लोगों ने. सो इफेक्टिवली 50% स्टूडेंट्स आर सेइंग ए, रेस्ट आंसर्स आर डिवाइडेड. क्या करें बात लिख, जनता के साथ जाना चाहेंगे, ए को लॉक कर दिया जाए. श्योर हो? $100 का प्रश्न है, पूरे महीने की पॉकेट मनी, दो महीने की पॉकेट मनी निकल सकती है तुम्हारी. मैं कहता हूं ऐसा खेलेंगे अपन अगले लेक्चर से, अगर तुमने सही आंसर दिया मैं तुमको पैसा भेजूंगा, और तुमने गलत दिया तो तुम मेरे को भेजोगे. क्यों और को लक्की बैठते इधर, क्या बोलते हो? चलो डॉलर निकाल देते ना, रुपए से खेलते, रुपए भी निकाल देते. मैं बोलता हूँ चलो अपन अपन अपने अपने औकात के हिसाब से खेलते, एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, दस रुपया, बीस रुपया, पचास, सौ, ढाई सौ, पांच सौ, हजार, ढाई हजार, पांच हजार, छह हजार, साढ़े सात हजार, दस हजार, क्या बोलते हो? तुम अगर सही दिए तो मैं तुमको दूंगा, तुम गलत दिए तो तुम मेरे को दो. मेरे को लगता है लेक्चर पढ़ाने से ज्यादा कमाई तो इधर हो जाने वाली है. कोई बोले हजार तक रखो, ठीक है चलो हजार रुपया, तुम सारे इकट्ठा करके देना ना मेरे को, स्प्लिट स्प्लिट वाइज, क्या बोलते हो? क्या करें फिलहाल के लिए, किसको लॉक करें? ए को लॉक करें. श्योर है? कंप्यूटर महाशय, ए को लॉक कर दिया जाए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे ऑडिटर सिर्फ डिटेक्शन रिस्क को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है. क्यों कंट्रोल कर सकता है भाई? देखो मैं अगर मेरी प्रोसीजर्स पूरी शिद्दत से लगाऊंगा तो डिटेक्शन रिस्क कम होगा. कंट्रोल रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैनेजमेंट के ऊपर. याद करो मैं तुम्हें इनडायरेक्ट हिंट दे चुका था, इंटरनल कंट्रोल्स मैं बनाता हूं कि मैनेजमेंट बनाता है. अगर मैनेजमेंट ने कंट्रोल अच्छे बनाए तो कंट्रोल्स क्या हो जाएगा? कम. पर वो मेरे हाथ में है कि मैनेजमेंट के हाथ में है? इनहेरेंट रिस्क तो किसी के भी हाथ में नहीं है ना, मैं मां कसम खा के बोल ही नहीं सकता. तो आउट ऑफ द थ्री मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? डिटेक्शन रिस्क. क्या समझा पब्लिक को ये? तो आईसीआई इस तरीके के कंसेप्चुअल सवाल पूछेगा. वापिस एक बार बोल रहा हूं, डटे रहो, बने रहो और पूरी तरह से पकते रहो, तो आई इंश्योर तुम यहाँ पे आंसर दे पाओगे. डोंट वरी, पूरी 192 पेजेस की रादर पूरी करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू की मैंने एक बुकलेट बनाई हुई है जो तुम्हें दी जाएगी प्रिंटेड फॉर्मेट में. तुम उसमें से उसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो. तो ये सारे एमसीक्यू जो हम कर रहे हैं इट इज ऑलरेडी बीन प्रिंटेड, तुम उसको बाद में वापस आराम से देखते हो. ठीक है? कोई बोलेगा डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या? मैं अपनी प्रोसीजर्स लगाऊंगा. देखो मेरी प्रोसीजर्स क्या हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, पर मैंने मेरी तहकीकात लगाई और तहकीकात लगाने के बावजूद मैं गलती को नहीं ढूंढ पाया, इस रिस्क को हम क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क. क्या यहां तक सबको समझा? क्या पक्का? ठीक है चलो आगे बढ़ते. ठीक है, सो यहां पे ये हम लोग ने क्या पढ़ा? कौन सा वाला कंसेप्ट हो गया हमारा? पांच कंसेप्ट हो गए. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट. एक प्रैक्टिसिंग सीए क्या क्या कर सकता है? दो तरीके की सर्विस दे सकता है, या तो वो अश्योरेंस सर्विस दे सकता है या तो नॉन अश्योरेंस सर्विस. क्या दे सकता है वो? अश्योरेंस या तो नॉन अश्योरेंस. अश्योरेंस मतलब वो इसके ऊपर क्या दे रहा है? ओपिनियन दे रहा है. नॉन अश्योरेंस मतलब वो इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन दे रहा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल काव्या ने मेरे को आके बोला कि सर देखो ये मेरे पापा के कंपनी के अकाउंट्स हैं, आप इसके बेसिस के ऊपर एक इनकम टैक्स रिटर्न बना के दो. मैंने इनकम टैक्स रिटर्न बना के दे दिया. क्या मैंने उसके पापा के अकाउंट्स के ऊपर कोई ओपिनियन दिया कि उनके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है कि ट्रू एंड फेयर नहीं है? ये नॉन अश्योरेंस हो गया. समझो निशा ने आके मेरे को बोला कि सर मेरी है ना अलग अलग बुटीक चल रही है, 7 अलग अलग ब्रांचेस है, 7 ब्रांचेस के अकाउंट्स को कंपाइल करके एक साथ दो. मैंने कंपाइल करके दे दिए. क्या मैंने कोई ओपिनियन दिया कि उसके अकाउंट सही है कि गलत है? इसे हम क्या कह देते हैं? नॉन अश्योरेंस. क्या कह देते हैं उसे? नॉन अश्योरेंस. तो या तो मैं कह दूंगा अश्योरेंस या तो मैं कह दूंगा नॉन अश्योरेंस. नॉन अश्योरेंस का मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया? एक मैंने क्या बना के दिया? इनकम टैक्स रिटर्न. क्या मैंने कोई अश्योरेंस दिया हुआ है क्या? नहीं. दूसरा मैंने क्या किया? कंपाइल किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेरे को बताओ क्या मैंने ओपिनियन दिया क्या? नहीं. अश्योरेंस मतलब मैं उसके ऊपर कोई ना कोई क्या दे रहा हूं? ओपिनियन. अश्योरेंस किसके ऊपर हो सकता है? हिस्टोरिकल या तो किसके ऊपर हो सकता है? नॉट हिस्टोरिकल. किसके ऊपर हो सकता है? हिस्टोरिकल या तो नॉट हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल मतलब पास्ट. अरे व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? पास्ट. नॉट हिस्टोरिकल मतलब फ्यूचर. अगर मैं कहता हूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल बीत चुका है. पर अगर मैं कहता हूं फाइनेंशियल ईयर 26-27 क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अरे काफी बार आता है ना वो शार्क टैंक जहां पे वो लोग आके बोलते हैं कि देखो अगले 5 साल का हमारा इतना प्रॉफिट होगा, इतना सेल्स होगा. तो बनाते हैं ना लोग फ्यूचर के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम कहते हैं फॉरकास्टेड. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो पास्ट के है या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके है? फ्यूचर. क्या यहां तक सबको समझा? अब अगर हिस्टोरिकल है मैं उसके ऊपर हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता हूं. मेरे को बताओ क्या मैं कभी भी मां कसम खा के बोल सकता हूं कि जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूं? नहीं. तो मैं कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो दे सकता नहीं हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ लिया इनहेरेंट रिस्क है. काफी बार मैं हाई अश्योरेंस भी नहीं दे सकता. काफी बार मैं सिर्फ क्या दूंगा? मॉडरेट अश्योरेंस. क्या काफी बार मैं सिर्फ क्या दूंगा? मॉडरेट मतलब हाई से भी कम. इस मॉडरेट अश्योरेंस को हम काफी बार कहते हैं लिमिटेड अश्योरेंस. क्या कहते हैं हम काफी बार इसे?
समझो सेबी आके क्या कहता है कि देख भाई लिस्टेड कंपनी में यूजुअली क्या होता है, ईयर चालू होता है अप्रैल में, समाप्त होता है मार्च में, रिपोर्ट जाता है सितंबर तक। सेबी कहता है भाई देखो अप्रैल की चीजें सितंबर में रिपोर्ट करोगे बहुत टाइम हो जाएगा। लिस्टेड कंपनी में जैसे जैसे एक क्वार्टर समाप्त होता है, लेट अस से पहला क्वार्टर कब चालू होता है, अप्रैल मई जून, तुम्हें 45 डेज के अंदर इसके ऊपर ओपिनियन दे देना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 45 डेज। तुम्हें पूरा साल समाप्त होने की राह देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कौन कहता है? सेबी। अब मैं सेबी को बोलूंगा भाई देख मेरे पास टाइम वैसे भी कम है, मैं जब यार समाप्त होता था मैं 6 महीने लेता था रिपोर्ट देने के लिए, तो भी मैं बोलता था टाइम नहीं है इसलिए मैं सारी चीजें चेक नहीं करता, मैं सैंपलिंग करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? सैंपलिंग। अब यहाँ पे तो तू बोल रहा है 45 डेज में रिपोर्ट दे, कब पे 45 डेज? तेरा क्वार्टर समाप्त होने के 45 डेज के अंदर। तो मैं सेबी को बोल रहा हूँ भाई क्या तू एक क्वार्टर मार के आए, क्या 45 डेज के अंदर मेरा रिपोर्ट देना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो सेबी बोलता है मालूम है कि तू ज्यादा चेक नहीं कर सकता, तू कम चेक कर, तू हमें हाई अश्योरेंस मत दे बट तू हमें एक मॉडरेट अश्योरेंस दे दे। क्या दे दे तू हमें? एक मॉडरेट अश्योरेंस, तू ऊपर ऊपर से चेक करके बता दे कि चीजें सही है कि नहीं है। तो हिस्टोरिकल के ऊपर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं हाई अश्योरेंस दे सकता हूं या तो मैं क्या दे सकता हूं? मॉडरेट। अब मेरी ग्रीन कलर की पेन को ध्यान देखना, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल, वहां पे मैं कभी भी ना हाई अश्योरेंस दे ही नहीं सकता, मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या दूंगा? मॉडरेट अश्योरेंस। क्यों मॉडरेट अश्योरेंस दूंगा? बिकॉज फ्यूचर के है ना, क्या अंतर्यामी है क्या? नहीं। तो मैं वहां पे हाई अश्योरेंस दूंगा ही नहीं, तो फ्यूचर के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या दूंगा? मॉडरेट अश्योरेंस। क्या दूंगा मैं? मॉडरेट। जहां पे नॉन अश्योरेंस सर्विसेज है मैं वहां पे कोई अश्योरेंस ही देने वाला नहीं हूं। वापिस एक बार यहां तक की चीज रिवाइज करते हैं, या तो मैं क्या दे रहा हूं? अश्योरेंस सर्विस, या तो मैं क्या दे रहा हूं? नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब मैं क्या दे रहा हूं? ओपिनियन। नॉन अश्योरेंस मतलब मैं कोई भी ओपिनियन दे रहा नहीं हूं। अश्योरेंस मैं किसके ऊपर दे सकता हूं? पास्ट के ऊपर या तो फ्यूचर के ऊपर। पास्ट के ऊपर मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं क्या दे सकता हूँ? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, या तो मैं क्या दे सकता हूँ? मॉडरेट बट नॉट हाई अश्योरेंस। जो फ्यूचर की बात आती है उसके ऊपर तो मैं कभी भी हाई अश्योरेंस दे नहीं सकता, मैं सिर्फ क्या दे सकता हूँ? मॉडरेट। जहां पे कोई अश्योरेंस सर्विस ही नहीं है वहां पे कोई अश्योरेंस दूंगा क्या? क्या यहां तक सबको समझा है? अब जब मैंने हिस्ट्री के ऊपर पास्ट के ऊपर हाई अश्योरेंस दिया ना, मैं उसको कहता हूं ऑडिट। क्या मैं उसको क्या कहता हूं? ऑडिट। पर मैंने हिस्ट्री के ऊपर हिस्टोरिकल के ऊपर जब मैंने मॉडरेट अश्योरेंस दिया ना उसे मैं कहता हूं रिव्यू। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑडिट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिव्यू। जब फ्यूचर की बात करें वहां पे तो मैं हाई अश्योरेंस दे नहीं सकता, वहां पे तो मैं सिर्फ क्या दूंगा? मॉडरेट। इसे मैं क्या कह दूंगा? अश्योरेंस। क्या मैं इसे क्या कह दूंगा? अश्योरेंस। तो कोई बोलेगा सर देखो रिव्यू और अश्योरेंस दोनों में तो मॉडरेट बट नॉट हाई जा रहा है, डिफरेंस क्या है? रिव्यू है ना हिस्टोरिकल का है, अश्योरेंस है ना फ्यूचर के ऊपर है। क्या रिव्यू किसका है? हिस्टोरिकल, बट लेकिन अश्योरेंस किसका है? फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल लेटर से रुद्र का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन लोगों का घर बसना है, उसका उजड़ गया, तो भाई लेटर से उसका ब्रेकअप हो गया। अब वो रिव्यू कर रहा है कि उसने पास्ट में क्या गलतियां की हुई थी, ठीक है, तो पास्ट का हमेशा रिव्यू होता है। अब लेटर से भाई उसको रात को बैठे बैठे टिंडर पे किसी और से राइट स्वाइप मैच हो गया, तो अब वो किसी और को डेट करना चालू कर रहा है, तो वो फ्यूचर वाली को अश्योरेंस दे रहा है कि देख मैं तेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करूंगा। तो पास्ट का हमेशा क्या होता है? रिव्यू। फ्यूचर के ऊपर हमेशा क्या दिया जाता है? अश्योरेंस। As everyone understood this? जहां पे कोई assurance ही नहीं है उसे मैं कहूंगा related service। क्या कहूंगा मैं? Related service। क्या समझाइए? वापिस एक बार, या तो मैंने क्या दिया? Assurance, या तो क्या दिया? Non-assurance। सब मेरे साथ रिपीट करो, assurance या तो non-assurance। Assurance मैंने किसके ऊपर दिया? या तो historical के ऊपर या तो non-historical। Historical के ऊपर मैंने high but not absolute assurance दिया, उसे मैं क्या कहूंगा? Audit। बट मैंने historical के ऊपर moderate but not high दिया, उसे मैं क्या कहूंगा? Review। जो नॉन हिस्टोरिकल है फ्यूचर के है उसके ऊपर तो मैं कभी हाई अश्योरेंस दे ही नहीं सकता, वहां पे तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या दूंगा? मॉडरेट। उसे मैं क्या कह दूंगा? अश्योरेंस। जहां पे कोई अश्योरेंस ही नहीं है उसे मैं क्या कह दूंगा? रिलेटेड सर्विस। अब ऑडिट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या बनाया गया है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, जिसे हम कहते हैं SA। जैसे तुमने अकाउंट्स में सीखा रहेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ऑडिट करने के लिए क्या बनाया गया है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। क्या बनाया गया है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू कैसे करते हैं, उसके लिए बनाया गया है SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस के लिए बनाया गया है SAE, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और आखिर में रिलेटेड सर्विसेज के लिए बनाया गया है SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्या समझा पब्लिक को ये? तो ऑडिट कैसे करते हैं SA, रिव्यू कैसे करते हैं SRE, अश्योरेंस कैसे देते हैं SRS, सॉरी SAE, और रिलेटेड सर्विस के लिए SRS। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली SRE, SAE, SRS तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये जाके तुम सीखोगे सीजन 2 में। क्या जहां पे कहां पे सीखोगे? सीजन 2 में। पर ये सबका डिफरेंशिएशन इज पार्ट ऑफ योर पोर्शन। अब ये चारों चीज की क्वालिटी अच्छी हो इसके लिए इसके ऊपर लगता है SQC 1। क्या लगता है? SQC 1। व्हाट इज SQC 1?
SQC1 is standard on quality control. क्या है SQC1 standard on what? Quality control. क्या समझा पब्लिक को ये? पक्का? तो यहां पे एक प्रैक्टिसिंग सीए दो तरीके की सर्विस देता है, या तो अश्योरेंस या तो क्या देता है, नॉन अश्योरेंस. अश्योरेंस में क्या आ जाएगा, या तो हिस्टोरिकल या तो क्या आ जाएगा नॉन हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल के ऊपर मैंने हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस दिया, मैं कहूंगा ऑडिट, उसको कैसे करते हैं एज पर एससीए. मॉडरेट बट नॉट हाई अश्योरेंस दिया, उसे मैं कहूंगा रिव्यू, उसको कैसे करते हैं एज पर एसआरई. नॉन हिस्टोरिकल के ऊपर मैं क्या देगा, सिर्फ मॉडरेट बट नॉट हाई, उसे मैं क्या कहूंगा अश्योरेंस, उसके लिए मैं क्या कहूंगा एसएई. और जहां पे कोई अश्योरेंस ही नहीं है उसको मैं क्या कह दूंगा रिलेटेड सर्विस, उसके लिए क्या जाएगा एसआरएस. क्या समझा पब्लिक को ये? पक्का? ये हमारा क्या हो गया, एक प्रैक्टिसिंग सी है कौन सी सर्विसेज दे सकता है. Has everyone understood? पक्का? ठीक है. So, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रैक्टिसिंग सी है क्या कर सकता है. ये चारों चीजों के ऊपर क्या लगता है, SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. क्या आएगा, स्टैंडर्ड ऑन व्हाट, क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, तो इसको वहां पे छाप लो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर. तो इसके साथ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाते हैं, समाप्त.